फाउंडेशन की नींव है, इसीलिए इसे साकार कराने हेतु फाउंडेशन के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन विविध माध्यम से करते रहता है। एजुकेटर फाउंडेशन के द्वारा शैक्षणिक एवं सामाजिक विविध अनेक कार्यक्रम अभी तक आयोजित किए गए हैं। विद्यार्थियों को सुनिश्चित मार्गदर्शन करने का काम हो या सामाजिक स्तर पर प्रबोधनात्मक कार्यक्रम फाउंडेशन आयोजित करते रहता है। कई जगहों पर विद्यार्थियों के लिए मुफ्त क्लासेस भी चलाए जाते हैं। स्पर्धात्मक परीक्षाओं का महत्व ध्यान में रखकर अनेक सेमिनार आयोजित किए गए हैं, जिससे विद्यार्थियों को स्पर्धात्मक परीक्षाओं की जानकारी के साथ साथ प्रेरणा एवं जिज्ञासा प्राप्त होती है। विद्यार्थियों के संबंध में अनेक कार्यक्रमों के आयोजन फाउंडेशन ने अभी तक किए हैं। सामाजिक जागरूकता के तहत COVID-19 के कठिन समय में भी अनेक जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता भी की गई है। एजुकेटर फाउंडेशन के कार्य अभी तक नागपुर, गोंदिया, भंडारा इन जिलों में विशेष कार्यरत है। इस फाउंडेशन में अनेक विद्वान, उच्च विद्या विभूषित एवं बड़े बड़े पदों पर कार्यरत लोगों का समावेश है। भारत में लोकतंत्र बचाने एवं उसके प्रचार प्रसार के लिए इस तरह के लिखाणों साहित्यों का तो सहयोग एवं सहकार्य यह फाउंडेशन करता है। इस इनहेरिटेंस हायरार्की एंड कास्ट पुस्तक को एवं उसके लेखक आयुष्मान धनंजय बंजारी को एजुकेटर फाउंडेशन की ओर से ढेर सारी मंगल कामनाएं। आप सभी को ज्ञात है यह लेखक बड़े ही सुलझे हुए एवं व्यस्त अभ्यासरत जीवन जीने वाले व्यक्ति है। लगन, मेहनत और ईमानदारी के बदौलत इस मुकाम तक वे पहुंच पाए हैं। उच्च विद्या विभूषित है, IIT दिल्ली से साइंस में मास्टर डिग्री एवं 2 साल के पहले ही उन्होंने दिया पॉलिटिकल इकोनॉमी विषय पर हेरिस स्कूल से द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो USA से मास्टर डिग्री हासिल की है। इसके पहले भी लेखक की एक सुपरिचित पुस्तक प्रकाशित हुई है, जिसका नाम है हमारा संविधान और हम। बाबा साहब के सपनों को पूरा करने का संकल्प उनमें दिखाई देता है। लेखक फिलहाल नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में एडिशनल डायरेक्टर के पद पर कार्यरत है और 2008 के बैच के वे IRS अधिकारी है। आशा करते हैं इस पुस्तक के द्वारा सामाजिक एवं राजकीय विचारधारा बढ़ेगी और अनेक संशोधकों को एवं विद्यार्थियों को आगे और संशोधन करने की जिज्ञासा बढ़ेगी, जिससे भारतीय समाज एक एवं भारत के लोकतंत्र के उभरते आह्वानों पर विचार मंथन होगा। बेस्ट ऑफ लक टू दिस बुक एंड ऑथर। थैंक यू। जय भीम। थैंक यू वेरी मच। As the introduction to the book has been very aptly marked by Dhanraj Rahulkarji, Patron Educator Foundation, I would now request all the dignitaries on the stage to formally release the book. I take this opportunity to read a few paragraphs in praise given to the author. The first advance praise is by Charles Hankla, PhD, Associate Professor, Political Science, Georgia State University, Atlanta, GA, USA. Dhananjay Sovindaji Vanjari's book is an essential reading for anyone seeking to understand the challenges facing Indian society today. Vanjari sees these challenges not as recent developments, but rather as the culmination of deep caste divisions within the Indian society. While caste is certainly not a neglected topic among scholars, Vanjari succeeds in restoring forward caste power to its place as the central and continuing challenge to the consolidation of democracy in India. With best luck from Charles Hanson. The book has been formally released, and as we move towards to have learned professors, lawyers and judges, the very first
onto this agenda is the chief guest of today's function, Justice Kindia. We are highly honored to have His Lordship K.G. Balakrishnan sir, the chief guest for the book release function today. His Lordship is 2007 to 2010, and this is the of the high. His Lordship became Chief Justice of the High Court of Gujarat and later on Madras. In the year 2000, he is the chairperson of National Human Rights Commission, Government of India. Cochin University of Science and Technology confirmed him with. I should mention here that all the luminaries we have today to comment on the book needs no introduction, but we are just following a formal guideline to a program. Justice Balakrishnan sir. Sir. Samvidhanacharya Shilpakar, Pradnya Surya Dr. Babasaheb Ambedkar, यांना अभिवादन करून माननीय धनंजय बंजारी यांच्या पुस्तकाच्या या प्रकाशन सोहळ्यास उपस्थित माननीय ऑनरेबल जस्टिस के जी बालकृष्णन सर, फार्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, माननीय सुखदेवजी थोरात एक्स चेअरमन UGC, आमचे मित्र ॲडव्होकेट फिरदोस मिर्जा सर, हायकोर्ट नागपूर, माननीय संदीपजी तामगाडगे IPS, ॲडिशनल DGP नागालँड, डॉक्टर सुनील कुमार, धनंजयजी आणि आपण सर्व उपस्थित मित्रांनो सर्वांना सप्रेम जय भीम. खरं तर मी काल पुण्यावरून आलो आणि धनंजय यांचं जे पुस्तक आहे ज्याचं प्रकाशन झालं, इनहेरिटन्स हिरार्की अँड कास्ट ओरिजन्स ऑफ पॉलिटिकल डिके इन इंडिया, संदीपजी आणि मिर्जा सर आणि सुखदेव थोरात सर या पुस्तकावर भाष्य करतील. मी या पुस्तकावर फार बोलणार नाही, पण या पुस्तकामध्ये जो धनंजयचा परिचय दिलेला आहे त्या परिचयामध्ये आय थिंक समथिंग इज मिसिंग. अँड व्हॉट इज मिसिंग, धनंजय हॅज नॉट रिटन देअर ही इज अ मॅन ऑफ इंटिग्रिटी, सिव्हिल सर्वंट. हल्ली सिव्हिल सर्वंटबद्दल खूप वेगवेगळं बोललं जातं. मी धनंजय यांना जे ओळखतो फक्त ते इंडियन रेव्हन्यू सर्व्हिसेसचे अधिकारी म्हणून नाही, तर ही जे सोशली कमिटेड ऑफिसर, ही सोशल ॲक्टिव्हिस्ट, सोशल ॲक्टिव्हिस्ट सिव्हिल सर्वंट. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू बिकम द सोशल ॲक्टिव्हिस्ट सिव्हिल सर्वंट. देर आर मेनी सिव्हिल सर्वंट्स, द सिव्हिल सर्वंट हू आर बेनिफिशियरीज ऑफ द रिझर्वेशन पॉलिसी guaranteed by the Constitution of India. He is a fearless officer. जे बोलायचं ते करायचं आणि जे करायचं तेच बोलायचं. म्हणजे खरं म्हणजे हे सांगायसाठी मी इथे उभा आहे. पुस्तक इंग्रजीत आहे, खूप कठीण आहे समजायला. मी काही पानं वाचले आणि आय लेफ्ट दॅट बुक ॲट पुणे, आय कुड नॉट ब्रिंग इट. पण IRS मध्ये आणि त्यातही इन्कम टॅक्समध्ये असताना, ॲडिशनल कमिशनर रँकमध्ये असताना, सेईंग नो टू करप्शन, माझ्या दृष्टीनं मिर्जा सर इट्स अ बिग बिग क्वालिटी ऑफ द धनंजय, सेईंग नो टू करप्शन. मला वाटतं हेच बाबासाहेबाचं काम आहे. जे शेवटी ह्या पुस्तकाचं चिंतन काय आहे, म्हणजे इनहेरिटन्स हिरार्की अँड आपण बघतोच आहे आपल्या भोवताला ह्या सगळ्या गोष्टी घडत आहेत. आणि म्हणून मला आय वुड से की ही जे टू आंबेडकराईट सिव्हिल सर्वंट असं वागायला पाहिजे, असं व्हायला पाहिजे.
मी तर या मताचा आहे, मी पण 29 वर्ष प्रशासनामध्ये होतो, शोषण न करता, भ्रष्टाचार न करता व्यक्तीची गरिमा म्हणजे सामान्य माणसाला ची प्रतिष्ठा राखून आपल्याला प्राप्त अधिकाराचा जेवढा चांगला वापर करता येईल समाजहितासाठी एवढं केलं तरी मला वाटते देशसेवेचं हेच खरं काम आहे आणि तेच बाबासाहेबांना अपेक्षित आहे. आणि म्हणून मी धनंजय आपलं खूप मनापासून अभिनंदन करतो की या वयामध्ये एवढं गहन विषयावर स्पष्टपणे मत मांडलेला. मी काही पानं चाळत होतो त्याच्यामध्ये जे वेगवेगळे सरकार आणि मिर्झा सरांशी पण बोलत होतो, BJP RSSचा पण त्यामध्ये संदर्भ आलेला. पदावर असताना असं लिहिणं म्हणजे त्याला एक मॉरल स्ट्रेंथ लागते. मी सोपं काम नाही आणि संदीप हे कोणाला पण सगळ्यांना जमेल असं नाही आहे. आणि त्यासाठी मला वाटतं यू डिझर्व कॉम्प्लिमेंट फ्रॉम एव्हरीबडी. हे पुस्तक सगळ्यांनी वाचलं पाहिजे. आम्ही याच्यासाठी असं सांगतो, 20 वर्षापूर्वीची एक गोष्ट आहे. एका IAS अधिकाऱ्यांनी मला असं सुचवलं होतं की आपण चांगली पदं नेत्यांकडनं मिळवली पाहिजे. तर मग मी त्यांना विचारलं कशी मिळवली पाहिजे, तर ते म्हटलं की मंत्री, आमदार, खासदार यांच्याकडे गेलं पाहिजे, त्यांना पार्ट्या दिल्या पाहिजे, त्यांना खुश केलं पाहिजे आणि पदं मिळवली पाहिजे. ते अधिकारी पण बुद्धिस्ट होते आहेत. तुम्ही म्हटलं हे कशासाठी करायचं, ते म्हटलं पैसा मिळवला पाहिजे. म्हणजे आजही तो चिंतनाचा विषय आहे. पॉलिटिकल डिकेसाठी मला वाटते सिव्हिल सर्वंटच्या लोकांचा पण फार मोठा त्याच्यामध्ये हात आहे असं म्हणू आपण. नुसतेच राजकीय लोक आपल्या ताकदीवर हे सगळं करत नाही, त्यांच्याकडे जी सत्ता संपत्ती आली आहे. तुम्ही म्हटलं बघ गरज नाही असं करायची. नाही नाही काय सगळेच लोक करतात, आपण केलं पाहिजे. तर म्हणजे सगळे हे शोषण करते जर असेल तर आपणही शोषण करता झालं पाहिजे का? आपण इतरांपेक्षा वेगळं असलं पाहिजे, कारण आपण बाबासाहेब सांगतो, बुद्ध सांगतो, शाहू सांगतो, महात्मा फुले सांगतो, मग आपण इतरांपेक्षा वेगळं दिसलं पाहिजे. परवा पण मी एक सोशल मीडियात आर्टिकल लिहिलं होतं, सनदी अधिकाऱ्यांनो अन्याय अत्याचाराच्या विरुद्ध भूमिका घ्या. मी म्हटलं आम्हाला हे पटत नाही, तुम्हाला करायचं असेल तर करा, पण तुम्ही हे आमच्यासारख्या जू मी तेव्हा 20 वर्षापूर्वी मी डेप्युटी कमिशनर होतो तेव्हाची गोष्ट आहे, असं तुमचं सांगणं पण तुम्ही खरं तर आम्हाला मोटिवेट केलं पाहिजे की आपण बाबासाहेबांच्या विचाराने काम करू. म्हणजे पढे लिखे लोकोने धोका दिया वगैरे हे जे सांगत असतो, खरं तर धनंजयकडे बघितल्यानंतर मला असं वाटतं की धनंजयने धोका दिला नाही, कारण त्यांनी हिंमत दाखवली, प्रामाणिक राहण्याची हिंमत दाखवली. ते आजच्या काळात कठीण आहे, बिघडणं सोपं आहे, चांगलं राहणं कठीण आहे. आणि म्हणून मी त्यांचं ते काही ऐकलं नाही, त्यामुळे मी पण समाधानी आहे. ते कसे समाधानी आहेत ते मला माहीत नाही, मला त्यांचं नाव नाही सांगता येणार, सांगू पण नाही. पण असे अधिकारी मला वाटतं ते समाजाला पण घातक आहेत आणि मुळात बाबासाहेबांच्या विचाराला घातक आहे. आणि अशांची संख्या सध्या प्रशासनामध्ये नुसतेच मी सनदी अधिकाऱ्यांची संख्या फार मोठ्या प्रमाणात आहे. या पुस्तकामागचं चिंतन जे धनंजय तुमचं आहे, मला हे बघितल्यानंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं 25 नोव्हेंबर 1949 भाषण संविधान सभेतलं आठवतं. त्यांनी हे सांगितलं होतं की पॉलिटिकल पार्टीनी कसं वागलं पाहिजे, विरोधकांनी कसं वागलं पाहिजे, सत्ताधाऱ्यांनी कसं वागलं पाहिजे. आणि 26 जानेवारी 1950 हा देश लोकसत्ताक झाला म्हणजे लोकांचं राज्य आलं. ते खरंच लोकांसाठी राज्य आहे का? आणि लोकशाहींचं जरी राज्य असलं तरी लोकशाही या देशाला जरी नवीन नसली तरी आता ती खूप वर्षानंतर आलेली आहे. आणि ज्यांच्याकडे ॲब्सोल्यूट पॉवर आहे पॉलिटिकल पार्टीकडे, तर ती लोकशाही हुकुमशाहीकडे कधी जाईल हे सांगतायत. असे अनेक इशारे बाबासाहेबांनी दिलं. या संविधानाचा पण अभ्यास धनंजय तुमचा फार मोठा आहे.
पहिलं जे पुस्तक झालं त्याच्या पण प्रकाशनाला मी होतो आणि त्यामुळे बाबासाहेबांच्या 25 नोव्हेंबर 1949 भाषणाची आपल्याला आठवण होते आणि ते खूप चिंतनाचं भाषण आहे. आम्ही सातत्याने बोलत असतो संविधान समजून घ्यायचं असेल किंवा संविधानाचा अंमल करायचा असेल तर ते वाचलं पाहिजे. म्हणजे बाबासाहेब नेहमीच असं सांगतात की मी फक्त विद्वान आहे किंवा माझ्याकडे खूप डिग्र्या आहेत म्हणून मला लोक घाबरत नाही. तर मला लोक का घाबरतात, नेते का घाबरतात? तर मी शीलवान आहे, मी चारित्र्यवान आहे, मी स्वाभिमानी आहे. खरं म्हणजे हेच बाबासाहेबांचं अनुयायी होण्याचं खरं इंडिकेटर आपण सनदी अधिकाऱ्यांना लावले पाहिजे. आणि म्हणून एक सिव्हिल सर्वंट असताना आपण हे एवढं हिमतीनं लिहिलं त्याचं मला निश्चितच कौतुक आहे. आपल्याकडे विकासाचं मॉडेल आहे 1950 पासून. आपण सिव्हिल सर्व्हिसमध्ये जे लोक आता मी आयएसमध्ये होतो आम्ही बघ डिस्ट्रिक्ट प्लॅन आहे, 5-year plan आहे, योजना आहेत, बजेट आहे, अनुसूचित जातीसाठी शेड्यूल कास्ट सप्लॅन आहे, ट्रायबलसाठी ट्रायबल सप्लॅन आहे. कोणतीही पॉलिटिकल पार्टी सत्तेमध्ये असू द्या 19-20 फरकाने सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीचं एकच ध्येय सत्ता आणि संपत्ती आपल्याकडे आणणं आणि त्याच्यासाठी वाटेल ते करणं. काँग्रेसने तेच केलं, बीजेपीने त्यापेक्षा वाईट पद्धतीने केलं आणि आता महाराष्ट्रामध्ये जे सरकार आहे तेही तेच करत आहे. हे मी यासाठी म्हणतो, सुप्रीम कोर्टचे जज एकदा असं म्हणाले होते त्यांच्या एका संबोधनामध्ये, स्पीक द ट्रूथ अँड एक्सपोज द लाईज ऑफ गव्हर्नमेंट. सत्य बोला आणि सरकारचं जे फेल्युअर आहे ते एक्सपोज करा. आपल्याकडे दुर्दैवाने आपल्याला बोलण्याची हिंमत नाही राहिली आणि हिंमत न राहण्याचं कारण असेल की आपल्याकडे आपली जी मॉरॅलिटी आहे ही मॉरॅलिटी कुठंतरी डाऊन होत चाललेली आहे. आपण सोयीने बोलत असतो, सत्य बोलत नाही, सोयीने बोलतो त्याला कसं चांगलं वाटेल. म्हणजे कालपर्यंत ज्या नेत्याला आपण शिव्या देत होतो हा काहीच करत नाही, त्याच्याकडे पद आलं की आपण त्याच्या दरबारी होऊन जातो. हे फार चिंतनाचे विषय मला वाटते. या पुस्तकामध्ये याचं वेगवेगळ्या पद्धतीने अनालिसिस धनंजयने केलेला. आपल्याकडे 5 trillion crore ची घोषणा मागच्या बजेटमध्ये झाली, आता 1 फेब्रुवारीला बजेट. ह्या 1 वर्षात काय झालं माहीत नाही. विकासाचा दर वगैरे हे सगळं थोरा साहेबांना जास्त समजतं ते. पण ऑक्सफॅमचा एक अहवाल डिसेंबरमध्ये प्रसिद्ध झाला आणि तो अहवाल जागतिक विषमता हा विषय घेऊन आहे आणि त्या अहवालामध्ये असं म्हटलेलं आहे की भारताबद्दल जे त्यांनी म्हटलेलं आहे की गरीब आणि असमानता असलेला देश भारत आहे. म्हणजे या देशामध्ये गरिबी आहे आणि इनइक्वॅलिटी आहे, विषमता आहे. म्हणजे सत्ता आणि संपत्ती हे काही विशिष्ट लोकांच्या हातामध्ये केंद्रित झालेली आहे. मग ते वंशपरंपरेने आलेले असो राजकारणामध्ये ज्याला इनहेरिटन्स आहेत, हिरार्कीमध्ये आहेत, जातीमध्ये, जात, धर्म, पंथ. आणि त्या अहवालात असं म्हटलेलं आहे की 10% लोकांकडे राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 57% संपत्ती त्यांच्याकडे आहे, गरीब 50% लोकांकडे 13% आहे आणि 40% मध्यम लोकांकडे 29.5 आहे. म्हणजे 10% लोकांकडे 57. म्हणजे मग या देशाचे रिसोर्सेस, एकीकडे आपण संविधानाच्या डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीजच्या आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, आर्टिकल 41, 45, 46, 46 एक तत्वज्ञान सांगत असतो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जे नॉवेल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आहे, विषमता दूर करणे आहे. सामाजिक आर्थिक, बाबासाहेबांची लोकशाहीची व्याख्या काय सांगते की लोकांच्या सामाजिक आर्थिक जीवनात क्रांतिकारक बदल रक्तहीन मार्गाने आणणारी शासन पद्धती ती आज आपल्याकडे नाही आहे.
तशी असती तर आज गरिबीच्या लोकांकडे 13% फक्त संपत्ती, 50% लोकांकडे नसती संपत्तीचं विकेंद्रीकरण, सत्तेचं विकेंद्रीकरण जे प्रशासन ते होत नाही. आणि म्हणून ही जी लोकशाही आहे आपली ही मुळातच लोकशाही धोक्यात आल्यासारखी आपल्याला वाटते. आणि म्हणून लोकशाहीच्या रक्षणासाठी काय केलं पाहिजे तर अत्याचाराच्या विरुद्ध बोललं पाहिजे. म्हणून मी ते जे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जे म्हणत होते स्पीक द ट्रूथ अँड एक्सपोज द लाईज ऑफ गव्हर्नमेंट, सरकारच्या विरुद्ध बोललं की अनेकांना त्रास होतो की कशाला बोलायचं सर, का नाही बोलायचं, सरकार म्हणजे कोण. लोकशाही पद्धतीमध्ये नागरिकांमधून नागरिकांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधीचं सरकार आहे. मग ते जर चुकीचं करत असतील तर बोललं पाहिजे. आणि म्हणून लोकशाही यशस्वी करण्याच्या पूर्वअटी काय आहे ह्या लोकशाहीच्या बद्दल पण या पुस्तकामध्ये संधनांजयचं एक चिंतन आहे. तर बाबासाहेब असं सांगतात की लोकशाही जर यशस्वी करायची असेल तर विषमता नको. पण आता ऑक्सफॉर्डचा रिपोर्ट सांगतो की विषमता आहे, 1% लोकांकडे 22% संपत्ती आहे. दुसरा सांगतो की या देशामध्ये मग पिळलेला आणि दडपलेला वर्ग नसावा, म्हणजे शोषित वंचित वर्ग नसावा, तर लोकशाही यशस्वी होईल. कारण मग अशा वर्गाने जर संघर्ष केला तर लोकशाही धोक्यात येईल. हे 25 नोव्हेंबर 1949 भाषणात सांगितलं. दुसरं सांगितलं बाबासाहेबांनी लोकशाहीच्या यशस्वीसाठी विरोधी पक्ष असावा. आता आपल्या देशामध्ये तर पार्लमेंटमध्ये विरोधी पक्ष दिसत नाही, पॉलिटिकल डिकेचं हे कारण असू शकतं. मी काय त्याचा अभ्यासक नाही पॉलिटिकल सायन्सचा. तिसरं सांगितलं की कायदा आणि प्रशासनाने सर्वांना सारखी समानतेची वागणूक दिली पाहिजे. त्यामध्ये रोल येतो मोठ्या प्रमाणामध्ये सिव्हिल सर्व्हिसमध्ये असलेल्या लोकांचा. ॲट्रॉसिटीचा कायदा आहे मिर्जा सर, संदीप तुम्हाला माहीत आहे, तुम्ही ऑपरेट करता तो, मी पण एकेकाळी ऑपरेट केला डीएम असताना. आत्ता महाराष्ट्र सरकारने त्या कायद्यात अशी तरतूद आहे की नॉट बिलो द रँक ऑफ DYSP इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर. यांनी काय केलं होम डिपार्टमेंटनी महाराष्ट्र सरकारच्या, की DYSP कडे खूप कामं असतात म्हणून आपण हा तपास आता API आणि PI रँकच्या अधिकाऱ्याला देऊ. ॲट्रॉसिटी कायद्यामध्ये असलेली तरतूद हा केंद्राचा विशेष कायदा राज्य शासनाला अधिकार नसताना एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डर काढून तो तपासाचा अधिकार API PI कडे देऊन DYSP च्या ऐवजी या कायद्याला डायल्यूट करणे किंवा मतमतांतर असू शकतात. आम्ही त्याला रिप्रेझेंट केलं, DYSP कमी आहे तर वाढवा ना. एकीकडे स्पेशल कोर्ट एक्सक्लुझिव्ह कोर्टची तरतूद आहे, स्पेशल वकील एक्सक्लुझिव्ह वकीलची तरतूद आहे, DYSP ची पदं रिक्त आहे ती भरा. DYSP कडे नको ती काम आहेत, संदीप चांगलं सांगू शकतील, ते IPS अधिकारी आहे, त्यांच्याकडे नको ते काम आहेत ते कमी करा आणि या स्पेशल कायद्यातलं त्यांना काम करू द्या. अत्याचार, जातीय अत्याचार थांबवणं इथं जो 5-6 विषय. आता महाराष्ट्राचं सरकार, महाविकास आघाडीचं सरकार जर असंच वागत असेल की ज्याला आपण पुरोगामी सरकार म्हणतो तर मात्र प्रश्न आहे. आणि म्हणून कायदा आणि प्रशासनाने सरकारना सारखी समानतेची वागणूक दिली पाहिजे. आता ती तर Article 14 मध्येच आहे संविधानाच्या, पण ती मिळत नाही. हा माझा, तो तुझा, तू माझ्या विरुद्ध बोलला का मग तुला नाही देणार, तू त्याच्या विरुद्ध बोलला का मग तुला काही करणार नाही. मात्र सगळे शपथ घेताना मी फिअरलेसली आणि फेअरली काम करून अशी शपथ संविधानाची घेत असतात, पण प्रत्यक्षात मात्र तसे वागत नाही. आणि चौथं बाबासाहेब म्हणाले होते की संविधानिक नीतिमत्ता, दॅट इज अ कॉन्स्टिट्युशनल मॉरॅलिटी, आणि ही से द कॉन्स्टिट्युशनल मॉरॅलिटी इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन कॉन्स्टिट्युशन. आणि म्हणून हे जे प्रश्न आहेत हे साधे जे प्रश्न आहेत ते राजकीय पातळीवर, आता सिद्धार्थ गायकवाड इथे बसलेले आहेत सर,
भारत सरकार ने मार्च 2021 ला एक गाइडलाइन काढला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शिष्यवृत्तीच्या बाबतीमध्ये की डीम युनिव्हर्सिटी प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी मध्ये शिकणाऱ्यांना सुद्धा तुम्ही शिष्यवृत्ती दिली पाहिजे आणि त्याला तुम्ही ट्यूशन फी त्याची दिली पाहिजे. ती एससी साठी लागू आहे, एसटी साठी पण लागू आहे, ओबीसी साठी आहे, मायनॉरिटी पण साठी. महाराष्ट्र सरकारने अजूनही त्यावरचा निर्णय घेतला नाही. कोर्टात गेले, हायकोर्टामध्ये त्यांनी सांगितलं दिली पाहिजे. राज्य शासन सुप्रीम कोर्टात गेलं, सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं हो दिली पाहिजे, गाईडलाईन आहे. हे सांगितल्यानंतर पुन्हा रिव्ह्यूमध्ये गेले की द्यायचे नाही. आता तसं जर बघितलं तर राज्य शासनाचं काम काय आहे की मागासवर्गीयांच्या शिक्षणामध्ये त्यांना आर्थिक मदत केली पाहिजे. दॅट इज देअर कॉन्स्टिट्युशनल जॉब. पण हे कॉन्स्टिट्युशनल ड्युटी परफॉर्म करण्यापेक्षा ती कशी मिळणार नाही. सुप्रीम कोर्टाने रिव्ह्यूमध्ये परत सांगितलं की नथिंग डुईंग तुम्ही घ्या. आता राज्य शासनाने टेक्निकल एज्युकेशनने एक कमिटी बसवली, त्यामध्ये एक जज घेतला. म्हणजे नाकारण्याची जी प्रक्रिया, हे सिस्टम खराब करण्याचं जे काम कोणी करत असेल तर ते एक्झिक्युटिव्ह, त्या एक्झिक्युटिव्हमध्ये पॉलिटिकल आहे आणि ब्युरोक्रॅसीचे लोक आहे. हे दोन लोक इतके जबाबदार आहेत की जे मंत्रालयात बसून हे सगळं काम करत असतात, यांना मात्र प्रश्न विचारले पाहिजे. आणि हे प्रश्न विचारण्याची ताकद आपल्याला संविधान देत असतं. आणि मला वाटते धनंजय तुम्ही ह्याच विचाराने हे सगळे प्रश्न यामध्ये मांडलेले आहेत. सत्ता संपत्तीचं विकेंद्रीकरण होणं हा तो आपला अधिकार आहे. आपण या देशाचे नागरिक आहोत आणि म्हणून पॉलिटिकल लोकांना पण प्रश्न विचारले पाहिजे, ब्युरोक्रॅटना प्रश्न विचारले पाहिजे आणि न्यायिक काम कसं होईल यासाठी हाच उद्देश या पुस्तकातून मला जे काही थोडंसं समजलं किंवा माझा जो त्यामध्ये एक थोडासा जो अनुभव आहे जो आम्ही अनुभव घेतो आहे, तर मी परत धनंजय तुम्हाला फार मनापासून शुभेच्छा देईल. आम्हाला नाही लिहिता येणार असं पुस्तक खरं सांगतो, मी प्रयत्न केला तरी नाही. इट इज अ वेल रिसर्च, खूप जाणीवपूर्वक आणि मी तर असं म्हणेल की खूप हिमतीने लिहिलेलं पुस्तक आहे, खूप हिमतीने लिहिलेलं आहे. नाही कोणी वर्किंग ब्युरोक्रॅट असं पुस्तक लिहिण्याची मिर्जा सर आता ते वकील आहे ना, असा काही प्रसंग आला तर मिर्जा सर तुम्हाला धनंजयची बाजू मांडावं लागेल. कारण सरकार चांगलं नाही बरं, सरकार सरकार असते, मग ते राज्याचं असो की केंद्राचं असो, सरकारला त्यांच्या विरुद्ध बोललेलं कोणी चांगलं बोललं जरी न्यायाधीश सुप्रीम कोर्टाचे म्हणत असले स्पीक द ट्रूथ, हे बाहेर फंक्शनमध्ये बोलायला ठीक आहे, पण तुम्ही खूप मोठं काम केलं. दिस इज अ रेफरन्स बुक म्हणून मिर्जा सर असं म्हणाले मला बोलता बोलता की हे पुस्तक रेफरन्स बुक म्हणून ज्याचा येणाऱ्या भविष्यामध्ये वापर होईल. मी परत तुम्हाला मनापासून शुभेच्छा देतो. मी तुमच्या सोबत आहे, मी सगळ्यांना परत जय भीम करतो, या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद. मोस्ट रिस्पेक्टेड खोब्रागडे सर, ॲडव्होकेट मिर्जा सर, माय डिअर फ्रेंड अँड द ऑथर ऑफ द बुक टुडे दॅट वी हॅव रिलीज्ड, धनंजय बंजारी IRS. All the distinguished personalities present here in this august house today, dear friends, ladies and gentlemen, it's an absolutely a proud privilege for me to be a part of release of this wonderfully academic book that my friend Dhananjay has authored. And as rightly mentioned by Khobrakade sir, this book is definitely going to be a reference book for long, long time. It's very rare that a serving public servant tries to get into such a complex question of the governance, complex questions of the reasons for the current political system
the genesis of the problems, the social structures, the change of the form of the governance, the change of the macro economies which impacts the social structure. Dhananjay has tried to get into all these aspects. And of course, there are a lot of other people in the country, senior academicians, intellectuals, students, research students, who have written about this particular topic. But what they have done is either they have written on the social aspects of it, that they have tried to take care of the, let's say, the caste system and then its impact on the governance, or they have written about the class structures, the economy, and then its impact on the governance and the impact on the larger masses of the country. What Dhananjay here has done is, and I must confess, Dhananjay, I have not been able to read the full book, and as sir has also said, I have tried to glance through it, run through the book. So I will limit myself to only that aspect. What Dhananjay has done here is, because of his maybe opportunity that he got at the Harris School and the reason that he got introduced to the new concepts of the political economy, he has used those knowledge in analyzing the history of governance in this country for last 7-8 decades. And he has used a hardcore economic data, models of economy, which are very technical in nature. I'm not a student of economy, so I tried to understand those concepts, but he has used those economic data, the empirical data, the factual position, and then he has tried to superimpose those data and the statistics with the existing social structures. Thereafter, he has tried to examine the policies of the government for last 7-8 decades, and the change of the economic pattern. And what you have is a result in the form of this book, Inheritance, Hierarchy and Caste, and the Origins of Political Decay in India. The Lordship has mentioned about that he doesn't agree to the concept of that it's the origin of political decay. He mentions that there was already decay in the country. It's just that we have tried to give a new, we have tried to give a modern structure in the form of a democratic governance. Dhananjay has tried to, I have written down few points here, so that it was such a complex book, I could not have remembered everything. So I have, for the benefit of the, you know, ease, I have written down few points here, and you need to excuse me if I read over from the page. So, right at the beginning of the book, in his introduction, Dhananjay mentions about, he speaks about two salient aspects of independent India polity. That's what you have used the word. One, that communal and cultural dimensions are attached with the nationalist ideology. Now, what Dhananjay has tried to do is, he is mentioning communal and cultural dimensions attached with the nationalist ideology. And of course, though he mentions that this communal and cultural identities which are attached with the nationalist identity has been expedited, accelerated in last one decade or so. I'm not going to name any particular party or anything, but that's what the idea that Dhananjay has said that. But nevertheless, Dhananjay says that this is not something which is new. Khobragade sir pun bolle ki navin nahi hai. Wo party konti hi sarkar madhe asli ki tyanna vapar karun ghyaycha asta. Jati cha, dharma cha. नॅशनलिस्ट जे जे आपण म्हणतो राष्ट्रवादाचे जे मुद्दे असतात, राष्ट्रवादाचे जे सिम्बल्स असतात, ते सिम्बल्स, त्या सिम्बल्सचा वापर करून, जातीच्या सिम्बॉलिझमचा वापर करून, धर्माच्या सिम्बॉलिझमचा वापर करून पॉलिटिकल गेन्स घेणं हे काय एका विशिष्ट पॉलिटिकल पार्टीसाठी मर्यादित नाही आहे. आणि मागचे जेव्हापासनं इंडिया आपण रिपब्लिक झालो, नवीन सरकार आली, तेव्हापासनं हा प्रयास सुरू आहे. व्हॉट धनंजय हॅज डन इज ही हॅज ट्राईड टू गिव अ व्हेरी व्हेरी क्लिअर कट अकॅडमिक रिझन्स ऑन वाय इट इज बिंग डन, अँड ही हॅज यूज द इकॉनॉमिक मॉडल्स फॉर डुईंग दॅट. द सेकंड सेलियंट पॉईंट दॅट धनंजय मेन्शन्स इज दॅट दिस कम्युनल अँड कल्चरल डायमेन्शन्स
when we say communal and cultural dimensions, primarily one thing that comes to our mind is the majoritarian community, Hindu community, and the minority community, primarily the Muslim community. There are a lot of other religious identities also, but primarily the Indian polity in last 8 decades or so has revolved around generating and polarizing the issues of these two communal lines. What Dhananjay said is about a second salient point. He says that communal appearance is accompanied by undercurrents of caste equations. Now Dhananjay, with due respect, I'll say that I will beg to differ with you on this particular thing. You have mentioned about the undercurrents. I will say it's not undercurrents. It has always been in prominence. It has always, in fact, the use of the caste, along with, of course, the communal lines, has always been a very, very prominent part of the Indian polity. You have said undercurrents. I have not said it's undercurrent. Nobody ever tried to hide it. You take the elections which are in progress now in few 5-6 states, or maybe you take the examples of elections in 75 or 1960s. The Indian polity and the elections have always revolved around caste equations. There has been no undercurrents about it. Of course, these days, maybe of late, earlier at least, there was a attempt of hiding this, camouflaging this, that okay, we are not talking about the caste. Honorable Justice also mentioned the same thing, that no political party is going to speak about that we support this caste or we support that religion. But increasingly, I feel that even those attempts of camouflaging their efforts, now they are doing away with it. आधी कमीत कमी प्रयत्न असायचा की आम्ही जातीबद्दल बोलणार नाही किंवा रिलीजनबद्दल बोलणार नाही इलेक्शन्समध्ये. मला वाटतं हळूहळू आता तो जो ती जी भीती म्हणणार नाही पण ती जी लज्जा होती, जी लाज होती की आम्ही पब्लिक डोमेनमध्ये ह्या दोन विषयावरती जाणार नाही, हळूहळू तो आता पडदा सरकलाय, बाजूला झाला. आता आपण जेव्हा पॉलिटिक्सची गोष्ट करतो, प्रकर्षाने आणि एकदम म्हणजे असं इट्स थ्रोन ॲट अवर फेस दॅट okay, we are like this, we'll speak only about this political party, this political caste, we'll speak only about this thing, that my political identity revolves only around X, Y, Z, जातीचेच मला वोट हवे, मला दुसऱ्या जातीचे वोट नकोय, बरेचदा आपण न्यूजपेपर मध्ये वाचतो. सो दॅट अटेम्प्ट ऑफ हायडिंग हॅज रिअली बीन गॉन अवे, इट हॅज कम डाऊन टू दॅट, अँड दॅट इज वन रिझन दॅट इज आय थिंक द जर्नी ऑफ the journey of electoral politics which started in 1950s until now, we have gone down. And yes, on that count I'll agree with you that there is a political decay. Earlier at least there were efforts of not being so naked about it that we are not going to speak, but now those assumptions, those pretensions are gone. The elections in this country are purely and purely on the basis of the caste. Mm-hmm. And not only elections, almost all other aspects of public life revolves around caste and the communal aspects. So these two salient features Dhananjay has tried to mention in his introduction. He goes on to say that a realistic background of power politics mostly seems to be underlined by the dictates of the hierarchical social order based on the caste system in India. This is what you have written, Dhananjay. That the realistic background of power politics, that's what I was referring, mostly seems to be underlined. Again, it's not underlined. It's on your face. Everybody is visible about that. By the dictates of the hierarchical social structure, so hierarchical social order. This is a stark reality. Honorable Chief Justice has also mentioned about that. He mentioned about Baba Saab's annihilation of caste. That is it ever possible to have a casteless society? A lot of academicians, intellectuals have written on that aspect, and I am not competent to speak on that particular topic, but increasingly it feels it's almost impossible to say that we will ever have a casteless society. Of course, a lot of efforts are being going on, including this particular effort in the form of this book, but this hierarchical social order is a reality of this particular country, and not only this country, wherever the products of this country goes to the world, they take the caste with them.
Going on, Dhananjay mentions about, he has listed six important points and the six dominant themes in this book that he has mentioned, and which I have tried to sum up. Not very easy. Gobrakade sir has also mentioned that it's not very easy book to read. I have tried, did a humble effort of at least trying to understand that book in whatever small capacity. So I'll try to say what exactly Dhananjay has tried to write in this book. The first point that he mentions is withdrawal of state from socio-economic reforms along with growing control of the capitalist and market forces. This is one thing that Dhananjay has mentioned. Withdrawal of state from socio-economic reforms along with growing control of the capitalist and market forces. This is the first thing that he has touched upon this book. Now, what does that mean? Gobrakade sir mentioned about the nature of the economy that the government tried to follow it in the form of 5-yearly plans, planning commission and other things. The constitution and the preamble speaks about we are a socialistic form of democracy, and that the state would be a welfare state. This is what the concept of Babasaheb was, that state will act as a welfare state and will try to give justice to the most marginalized, the most voiceless people. Dhananjay, in the form of giving very practical examples in the form of empirical data, says that slowly, steadily, state has withdrawn from the welfare concept. That state has withdrawn from the socio-economic reforms. Along with that, growing control of the capitalist and market forces. So this is one thing that this all over the book, this theme is the dominant theme that I think what he was trying to say. Now, why does this happen? Why does this happen that the state has gradually withdrawn itself from the welfare, the concept of the idea of the welfare state? We need to understand the moment though the change in the global economy, the change in the form of the disintegration of the socialistic, communistic form of economy, and the subsequent signing of multiple international treaties in the form of globalization, liberalization and so on. All of you are aware that we tried to change our economy in the early part of 90s, and here today we are, that as of now the only form of economy which is relevant in the whole world is the capitalistic form of economy. And as a result of that, on field, what do we see? We see that most of the welfare activities in which government was a part, sir mentioned about the scholarships, just one of the aspect. Scholarships have been reduced, have been withdrawn. Sir was mentioning about that governments are not ready. Why they are not ready? Maybe because of the resources, maybe some other political reason, there may be some other aspects. I'm not trying to go into that. But it's a fact that be it the union government or the state governments, the idea of the welfare economy, the idea of the welfare state has decreased in size, has been diluted. Maybe as a result of the government being signatory to a lot of international treaties, or there can be a lot of other reasons also. Almost every day we see the news that public sector undertakings have been dismantled. Sarkar ne kutli tarah ka PS company la vikun takla hai. किंवा आपले शेअर्स काढून घेतलेत, प्रायव्हेटाईज केलेलं आहे. याचा सर्वात मोठा इम्पॅक्ट काय झाला आहे? सरकारचा जो कंट्रोल PSUs वरनं गेला, हे जे PSUs विच वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओव्हरऑल ग्रोथ ऑफ द कंट्री, इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, इट हॅड ऑल्सो प्लेड अ व्हेरी ॲक्टिव्ह रोल इन ओव्हरऑल ह्युमन डेव्हलपमेंट ग्रोथ ऑफ द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड पीपल. प्लीज अंडरस्टँड, आज सरकारच्या कंपनी, सरकारच्या जितक्याही डिपार्टमेंट्स असतात, जेव्हापर्यंत ते सरकारच्या कंट्रोलमध्ये असतात तेव्हापर्यंत तुम्हाला रिझर्वेशनच्या फॅसिलिटीज असतात. द मुमेंट इट इज प्रायव्हेटाइज्ड, नो प्रायव्हेट एंटिटी इज लायबल ऑर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंडिंग द बेनिफिट्स ऑफ द पॉझिटिव्ह अफर्मेशन. हा जो वेलफेअर स्टेटचा पूर्ण कॉन्सेप्ट होता, बी इट इन टर्म्स ऑफ गिविंग एम्प्लॉयमेंट ऑर अदर थिंग्स, हॅव बीन स्लोली अँड स्टेडिली विथड्रॉन. So Dhananjay has tried to deeply go into this aspect. The second theme that he mentions about is the authoritarian tendencies of the state institutions.
and corresponding impact on the democratic substance and its liberal dimensions. खूपच जबरदस्त इंग्रजी वापरली आहे भाऊ, समजायला थोडं कठीण राहील. बट एनी वे, वॉट इन शॉर्ट इन सिंपल लँग्वेज ही इज सेईंग दॅट द स्टेट इन्स्टिट्यूशन्स हॅव ट्राईड टू बी मोर ऑथॉरिटेटिव्ह. And why this authorization is that by the use of the state institutions. When we say state institutions, what are state institutions? The government institutions in the form of the police, the government institutions in the form of income tax, the ED, the DRI, the CBI, these are the regulatory mechanisms, or the Ministry of Corporate Affairs, DRI, lot of other institutions. Or even the form of the Land Revenue Department and so on and so forth. What he has tried to tell this in this book is that these institutions have become more authoritarian, and it has resulted on the democratic substance and its liberal dimension. This is what he has said. म्हणजे याचा अर्थ काय की जर तुम्ही कुणाला पॉलिटिकली तुम्ही कुणाला सपोर्ट करणार नसाल, सगळं सिंपल शब्दात सांगतोय, तर आम्ही आमच्या इन्स्टिट्यूशनचा वापर करू आणि तुम्हाला आमचे आमचं आम्हाला फॉलो करायला लागू. दिस इज ह्या सिंपल शब्दात सांगितले, आणि खूप कॉम्प्लेक्स शब्दात बोलणं आहे, पण मराठीमध्ये सिंपल शब्द त्याचं होतं की सरकारच्या ज्या इन्स्टिट्यूशन्स आहेत त्याचा गैरवापर करून डेमोक्रॅटिक जे व्हॅल्यूज आहेत त्याचा कर्टेल करण्यात आलेला आहे. ही गोष्ट धनंजय बोलला, ही सेकंड थीम आहे या पुस्तकाची. थर्ड इम्पॉर्टंट थीम दॅट ही स्पीक्स अबाउट इज ही स्पीक्स अबाउट टू that above these two concepts, pehli concept kaun tha hota ki gradual withdrawal of the government from the welfare state along with the use of the authoritarian use of the institutions has led to the consolidation of Hindutva ideology. This is what Dhananjay mentions, that these two concepts, that the gradual withdrawal of the state from the welfare state concept and the use of the government institutions has led to the consolidation of Hindutva ideology, increasing emphasis on religious, cultural and ethnic contents, and using increasing populist tone and majoritarian projections. This is what he has said. He is in the habit of making it very dramatic, but it's good. I mean, he uses a lot of very sophisticated English. But what the third theme is says that हे जे पहिल्या जो दोन गोष्टी बोललो मी किंवा धनंजय बोलला, स्टेट गव्हर्नमेंट म्हणजे गव्हर्नमेंटचा वेलफेअर स्टेट कॉन्सेप्टमध्ये निघून जाणं आणि सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर, याचा दोघांचाही प्रभाव असा झाला. एक ॲज अ रिझल्ट एक हिंदुत्व आयडेंटिटीचं कन्सॉलिडेशन. हा जेव्हा कन्सॉलिडेशन शब्द वापरतोय धनंजय, याचा अर्थ असा नाही की फक्त मागच्या 8-10 वर्षात झालेला प्रकार. ही जी आयडियोलॉजी आहे हे मागचे बऱ्याच वर्षापासून सुरू आहे, 70-80 वर्षापासून, जेव्हापासून सुरू आहे नेहमीपासूनच प्रयत्न राहिलेला आहे की एक आयडियोलॉजी कन्सॉलिडेट करायची, पण आत्ता तो एक्सपिरियड झालेला प्रकार झालाय. अँड दॅट प्रोजेक्शन ऑफ द मेजॉरिटेरियन व्ह्यू. Right at the beginning I was saying that at least earlier there was an attempt of camouflaging the efforts of the politicians. Now there is no other need. The he je majoritarian views are ekdam blatantly jo expose zale karnat ala ahe ya vishaya baddal ha bollela ahe. And the next theme is that use of above all these three for the political gains by governing elites. He has used a word, governing elites. The governing elites can be, of course, he has tried to say that governing elites are the same elites which were in 18th century also, 16th century also, and before that also. So ultimately, who are the governing elites in this country? Javi Britishers hote kiwa British cha adi jeva raja maharaja hote ya deshamade satte mate kiwa atta jeva democratically elected governments ahet kunachi satta ahe. Ek underlying theme hi ahe, mhanje underlying theme mhanyapeksha je dominant pustakacha message ahe ki he je hierarchical स्ट्रक्चर्स आहे या देशातले मागच्या काहीशे हजार वर्षापासून, तो सेम स्ट्रक्चर अजूनही आहे. 80 वर्षाच्या कॉन्स्टिट्युशनल एफर्ट्समुळं त्या स्ट्रक्चरमध्ये डायल्युशन झालेलं नाही आहे, फक्त त्यांचा नेचर चेंज झालेला आहे. ते त्यांनी स्वतःला मेटामॉर्फिस केलं आहे आणि अजूनही सत्तेमध्ये तेच लोक आहे.
डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्यूशनचा वापर करू नये. ही मेन्शन्स अबाउट द इम्पॅक्ट ऑफ संस्कृतायझेशन अँड कन्सोलिडेशन ऑफ बॅकवर्ड दलित पॉलिटिकल. खूप मोठा मुद्दा आहे, म्हणजे बोलायला गेलं तर या पुस्तकावरती मी 2 तास बोलू शकतो, पण खूप मोठमोठा हे मुद्दे आहेत. सो आय एम नॉट गोईंग टू से लॉट ऑफ थिंग्स. मी अजून बरेच गोष्टी लिहून आणल्यात. आय एम नॉट गोईंग टू से ऑन ऑन लॉट ऑफ ही हॅज मेन्शन्ड अबाउट स्टेट अँड सोसायटी रिलेशन्स. ही हॅज रेज्ड अ व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन ऑफ नॉट हाऊ लॉंग द डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क हॅज कंटिन्यूड अँड हाऊ रेग्युलर इलेक्शन्स हॅव बीन. बट वॉट इज मोर इम्पॉर्टंट इज how far the framework has brought the democratic consolidation. This is one very important question that you have raised. And how far this democratic framework has brought the assimilation of diverse social groups in the political system. Anyway, I'm not going to go a lot of into this. These are even one question is sufficient for speaking for us together. And unless I stop, the program will get delayed. But any serious student of society, any serious student of economy, any serious student of constitution and how this system works, how this country works, what are the impact of the democratic institutions on the society, what are the impact of the society on the democracy, what is the impact of the change in the economy on the society and the polity, some very important and serious questions Dhananjay has tried to answer in this book. And I feel any serious student of all these subjects need to read this book. He has also briefly touched on the concept of the distribution of the resources. Professor Thorath would be speaking here, and I have read a lot of work of Professor Thorath also. He has continuously been speaking about the distribution of the resources, the control over the resources. It's not about control over the government resources, the control over even the private resources. So Dhananjay has tried to little bit go into that aspect also, and I think we need to read that aspect. He has also tried to mention about the democratic framework and the concept of the representation. Now if you remember, a lot of you all are very learned people. In the evidence given by Baba Sahib to the franchise committee, popularly called as the South Borough Committee, on 27th January 1919, he had exactly raised this particular issue, the difference between a responsible government and a representative government. And now, after 80 years of a democratic polity, the question still remains relevant. Are we really representative in the form of the governments that we choose, that the governments that run this country? We have tried to have reserved seats here and there. We have tried to have some other things. But how far these governments have been actually representative? In my mind, the question that Baba Sahib had raised in 1919, even after 103 years, the question is still relevant, still unanswerable. And I don't know if we have any answer to that. The control of the resources, the control of the knowledge, even 2000 years back, a select group used to control the knowledge. That's how it dominated the society. Even now it's the same. Control of the knowledge, access to the knowledge, it remains the same. And I hope that this book, a very courageous attempt, I must say, as Kobragre sir has also mentioned, it's difficult for a serving officer to walk, to try to explore this topics which a lot of people feel are controversial. And a lot of serving public servants rarely want to get into these ideas of writing about these topics, though in the private conversations we all talk to each other. We all try to come up with our own academic findings. But it's very rare that serving public servant try to academically, on a very serious note, in a very empirical manner, try to write about these serious questions. Dhananjay has tried to do that. And I must say, a very good attempt, Dhananjay. Absolutely wonderful attempt. And at the cost of reputation, this book definitely will be used as a reference book, as a guide for a lot of serious students as well. My best wishes to you, and my best wishes to
the success of the book as well. It would be a pleasure. Kindly go through the book, kindly read the book and try to understand what exactly are the things that are happening and how the country is getting shaped in a very invisible manner, supported and guided by the same urge of controlling and dominating, keeping the domination over the masses. Having said this, I'll stop here. Once again, thanks a lot for giving me an opportunity of coming and be a part of this wonderful ceremony. And thank you so much for being so patient and listening to me. Jai Bhim, thank you. Satyam, Jai Bharat, Jai Bhim, Salam. आज मैं अपने आप को आपके साथ इस बुक रिलीज के फंक्शन में मौजूद पाकर बड़ा ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आज के इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि माननीय प्रोफेसर डॉक्टर सुखदेव थोराज जी, जिन्होंने अपने जिंदगी का एम और ऑब्जेक्ट बना रखा है हम सब में, हमारी अगली जनरेशन्स में संविधान के प्रति जागरूकता निर्माण करने का, वो इज़ेड खोबरागड़े जी। अपने कॉज के प्रति कोई कितना समर्पित हो सकता है कि उसके लिए पूरा मुल्क क्रॉस करके इस बुक के फंक्शन के लिए यहाँ मौजूद संदीप तामगाड़के जी, IPS, इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से उपस्थित प्रोफेसर शैलेश बहादुरी जी, और जिनके पुरुषार्थ के कारण हम सब इकट्ठा हुए हैं, वो डॉक्टर अब वो धनंजय सोइंदा जी, बंजारी जी, IRS। एक तकरीबन 15 दिन पहले मुझे इज़ेड सर का फोन आया कि भाई देखो, मिस्टर वंजारी वुड बी कॉलिंग टू यू, आई हैव प्रॉमिस्ड हिम यू शुड टॉक टू हिम। लेट्स ऑल राइट, क्योंकि वैसे भी इज़ेड सर ने कहने के बाद कोई क्वेश्चन मार्क्स हुए नहीं है कभी जिंदगी में, क्योंकि एक आपसे विश्वास की बात हो रही है। जब ये एक विश्वास होता है कि मैं किसी अंबेडकराइट से, सच्चा अंबेडकराइट मुझसे कुछ कह रहा है तो सच ही कह रहा होगा, वो मुझे गलत रास्ते पर नहीं ले जा रहा होगा, तो ये एक विश्वास का रिश्ता इज़ेड खोबरागड़े सर और हम में। तो उन्होंने कह दिया, वंजारी साहब का फोन आया, आई कंसेंटेड फॉर दिस। फिर बाद में फोन आया कि मुझे आपको बुक देनी है, क्योंकि मेरी अपनी रिक्वेस्ट थी कि बुक पहले देखे तो सही। तो नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के जॉइंट डायरेक्टर, जिनकी ये सेकंड बुक है ऐसे, वो आ रहे हैं, तो एक इमेज थी दिमाग में, इमेज बनती है ना, क्योंकि मैंने पहले कभी देखा नहीं था, तो मैं समझ रहा था समवन इन हिज लेट 50s। ऐसा किसी से मुलाकात हो गया है, लो दरवाजा खुला और एक लड़का चला रहा है। और अचानक मुझे जो नाउमीदियां होती है कभी कभी, डिप्रेशन होता है कभी कभी, उससे मैं बाहर आया कि हाँ, हमारी अगली जनरेशन तैयार हो रही है। और अभी तामगाड़के जी ने पूरा किताब आपको समझा दिया है, मुझे नहीं लगता उस विषय पर मुझे कुछ खास कहना है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जब मैंने पढ़ा सर, तो अगर मैं एक लाइन में कहना चाहूं उस किताब के बारे में, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल थ्रिलर पढ़ रहा हूं। वो एक थ्रिलर है, एक बार आप पढ़ने लगे तो आप छोड़ेंगे नहीं उस किताब। और मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा बंजारी जी को, जो आप दोनों ने इससे पहले मुझसे पहले के
आदरणीय स्पीकर्स ने कहा कि 100 में से 110 मार्क तो आपकी बहादुरी के लिए, आपने जो हिम्मत बताई है। देखिए आज सबसे बड़ा मुश्किल यह हो गई कि हमको कोई मिरर नहीं बताता, हम सिर्फ सेल्फीज लेते हैं। मिरर दिखना बहुत जरूरी होता है, पता चलता है कि हम कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो यह किताब एक मिरर है हमारा और आपका, यह किताब हमारी रिपोर्ट कार्ड है कि पिछले 72-73 साल में हमने किस तरह से बिहेव किया है। क्या हम संविधान निर्माता के उम्मीदों पे खरे उतरे हैं, या उन्होंने जिस लास्ट भाषण की बात कर रहे थे एजेड खोबरागड़े साहब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उसमें जो हमको तीन डर बताए थे, जो टेस्ट्स बताई थी, क्या उसमें से हमने कैसा परफॉर्म किया है। तो मुझे इस किताब का जो उन्वान यानी टाइटल है उसकी लास्ट लाइन चुभ भी रही और पसंद भी आई, ओरिजिन्स ऑफ पॉलिटिकल डिके इन इंडिया। अब सब अपने अपने दिल पे हाथ रखें, अपने अपने मिरर को देखें और कहें कि हम में से कौन है जो इनसे एग्री नहीं करता कि यस देयर इज डिके इन अवर पॉलिटिकल अरेना, देयर इज कंटिन्यूअस डिके एंड देयरफॉर अ फ्यू आर इनहेरिटिंग, अदर आर टेकिंग इट बाय हायरार्की एंड मोस्ट ऑफ अस आर स्टील डिवाइडेड इंटू कास्ट। एक क्रांति हुई थी 26 जनवरी 1950 को और वो क्रांति रक्तविहीन क्रांति थी। उस क्रांति ने उस दिन से भारत के सामाजिक पहलुओं से, सामाजिक जिंदगी से हमेशा के लिए धर्म और जाति इनको बाहर कर दिया था। वो एक क्रांति थी जिसने आर्टिकल 14 लिखा कि हर भारतीय कानून के सामने बराबर है। ये वो क्रांति है जिसने आर्टिकल 15 लिखा कि आप कहां पैदा हुए, किस धर्म में पैदा हुए, किस जाति में पैदा हुए, किस घर में पैदा हुए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो क्रांति है जिसने आर्टिकल 17 लिखा कि आज से कोई अछूत नहीं होगा। इस क्रांति ने आर्टिकल 19 लिखा जिसका आज इस्तेमाल किया है डॉक्टर वंजारी ने और बोलने की वो आजादी का सही इस्तेमाल यह। इस क्रांति ने आर्टिकल 21 लिखा कि हर इस जमीन पर जो भी मौजूद है, वो जो भी मौजूद है, मैं सिर्फ भारतीय की बात नहीं कर रहा, इस जमीन पर भारतवर्ष में जो भी मौजूद है उसको जीने का अधिकार है, कीड़े मकोड़ों या जानवर की तरह नहीं, पूरी ह्यूमन डिग्निटी के साथ। यह वो क्रांति है जिसने भले रिलीजन को अपने पब्लिक स्पेस से बाहर कर दिया लेकिन प्राइवेट स्पेस में आपको अपने रिलीजन को फॉलो करने की पूरी आजादी दी है। ये वो क्रांति थी जिसने इस मुल्क के रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को अपने कल्चर की, अपने लैंग्वेज की और अपने धर्म की और अपने शिक्षण संस्थाओं की प्रोटेक्शन के पूरे अधिकार दिए। तो अगर ये किताब पढ़े तो समझ में आता है कि जितनी तेजी से यह क्रांति आई और जिन लोगों का कंट्रोल पूरे सिस्टम पर, पूरे रिसोर्सेस पे होता था, अचानक जो उनके हाथ से चला गया, तो वो हासिल करने के लिए उन्होंने प्रतिक्रांति की कैसी कोशिशें की। और ये पूरी किताब उस प्रतिक्रांति को आपके सामने एक एक पेज से क्लियर करते चलती है, इसलिए एक थ्रिलर है जो मैं समझ पाया। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा वंजारी जी को।
कि आपने हिम्मत की, आपने मिरर बताया, और जो आपका लिखने का एंगल था, जो रिसर्च का एंगल था, उस एंगल से हम सभी को बहुत बहुत फायदा पहुंचा। ताम गाड़गे जी ने कहा कि किस तरह इकोनॉमिक इफेक्ट का, इकोनॉमिक्स के का पॉलिटिक्स पर इफेक्ट कैसा हुआ। मैं खुद भी इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं हूं, मैं कानून का स्टूडेंट हूं, पॉलिटिकल साइंस समझ लेते हैं, लेकिन इकोनॉमिक रिसोर्सेस के कंट्रोल पर और धीरे धीरे होने वाले कंट्रोल के साथ कैसा हुआ, पीएसयूज बेचने से फंडामेंटल राइट्स पर कैसे इफेक्ट आए, और अल्टीमेटली फिर से कई तरह के ईस्ट इंडिया कंपनीज ने आज किस तरह इंडिया का कंट्रोल ले लिया है, यह हम देखते हैं। और इस किताब का सबसे मेरा पसंदीदा पार्ट रहा है, जो बहुत कम बुक्स में होता है, वो इसमें है, वो है कंक्लूजन वाला पार्ट। यू कैन गेस द जिस्ट। और उसमें भी जो सबसे बड़ी चीज कंक्लूजन वाले पार्ट में मुझे लगी है, वो है कि ऑथर सारी चीजें डिस्कस कर रहा है, प्रॉब्लम्स से लेकर सॉल्यूशंस तक के डिक्लेयर डिस्कस कर रहा है, और आखिर में रीडर से एक क्वेश्चन देके जा रहा है, रीडर को एक क्वेश्चन पूछता हुआ वो हमसे इजाजत ले रहा है। वो प्रश्न है, क्या आप सच्चाई कबूल कर सकते हैं? आर यू रेडी टू एक्सेप्ट द रियलिटी? अगर आप तैयार हैं तो ये किताब पढ़िए, वरना खुश रहिए, बी इन फूल्स पैराडाइज। तो सर थैंक यू वेरी मच। लेकिन जब आपने सच्चाई आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है के सवाल किया, तो इस सवाल पे कुछ और बात होनी चाहिए कि लेखक को यह सवाल हमको क्यों करना पड़ा। 72 साल गुजर गए, हमको अपने अधिकार मिल गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से अलग अलग चीजें छीन के हमने फंडामेंटल राइट्स में कन्वर्ट कर लिया, राइट टू एजुकेशन वहां से उठा के यहां ले आए, रिजर्वेशन से हमने नौकरियां पाई, पॉलिटिकल रिजर्वेशन से हमारे लोग एमपी बने, एमएलए बने, फिर भी हम यहां क्यों सवाल कर रहे हैं, और फिर से आज हम जात की बात क्यों कर रहे हैं। तो जो प्रतिक्रांति हुई ना, हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं उसको, हमने महसूस नहीं किया, हमने सोचा ही नहीं, क्योंकि हम इसमें खुश थे कि हमें क्या क्या मिला। सर जब प्रतिक्रांति लाते हैं ना तो नैरेटिव शुरू होते हैं। अभी 2 साल पहले जब कोरोना नहीं था, मैं उदयपुर गया था। अब देखिए प्रतिक्रांति के नैरेटिव्स कैसे सेट करते हैं। उदयपुर में सिटी पैलेस करके एक म्यूजियम है, तिवारी जी हमारे गाइड थे, वो समझा रहे थे कहाँ क्या है। तो एक बड़ा सा एक पेंटिंग लटका हुआ था, वो बता रहे थे कि देखिए ये एक बहुत हिस्टोरिकल लड़ाई का पेंटिंग है। बोले ये हल्दी घाटी की लड़ाई थी, इस तरफ से ये हिंदू फौजें आई, इस तरफ से मुसलमान फौजें आई, और हल्दी घाटी में मुसलमानों की फौजें खत्म। बड़े जोश में उन्होंने समझाया, हम सब समझ गए। मैंने उनसे कहा तिवारी जी ये जो हिंदू फौजें हैं ये किसकी थी? तो बोले महाराणा प्रताप की। हमला मुसलमान फौजें? तो बोले अकबर की। तो एम्परर ऑफ इंडिया अकबर, लेकिन हम उसको बोल रहे अकबर, एक छोटे से स्टेट का किंग, वी आर कॉलिंग हिम महाराणा प्रताप, लेकिन ये हमारे नैरेटिव। फिर तो मैं बोला महाराणा प्रताप जी का जो फौज थी इसको कोई सेनापति था? बोले हाँ था। बोला कौन? बोले हकीम खान सूर। बोला ये अकबर की जो मुसलमान फौज थी इसको भी तो होगा कोई, कौन था? बोले राजा मानसिंह। बोला हिंदुओं का फौज में अकेला हकीम खान सूर ही था या और भी थे? नहीं नहीं बोले 5000 पठानों की फौज थी इनके साथ। और बोला ये मुसलमानों के फौज में पूरे राजपूत भरे थे।
मिस्टर तिवारी, तो अब क्या वो हिंदुओं की फौज थी, क्या ये मुसलमानों की फौज थी? लेकिन हमने नैरेटिव फिक्स कर दिया और एक महान भारतीय राजा अकबर, उसको हमने छोटा सा बनाने की कोशिश की, और उसको छोटा बनाने से वो छोटा तो नहीं हो पाया, लेकिन हमारा जो अपना इतिहास है वो छोटा हो गया। लेकिन वो नैरेटिव फिक्स हुआ, हमने कभी उसको करेक्ट करने की कोशिश नहीं की। हमारे पास बड़े बड़े महाराष्ट्र भूषण रहे जिन्होंने ये नैरेटिव फिक्स किया कि शिवाजी महाराज गो ब्राह्मण प्रतिपालक थे और अफजल खान का उन्होंने वध किया। लेकिन पता नहीं क्यों बिटवीन द लाइंस वो लिखना भूल गए और हम याद दिलाना भूल गए कि जब शिवाजी महाराज के अफजल खान से मीटिंग फिक्स हुई थी तो काजी हैदर ये उनके साथ में थे, और जब अफजल खान मिलने आया था तो एक कुलकर्णी उसका वकील था। बिकॉज वी वेर बिजी इन रीपिंग द हार्वेस्ट ऑफ राइट्स, तो हम ये भूल ही गए कि आज जो नैरेटिव्स फिक्स होंगे वो एक दिन जाके भारत में मुसलमानों को पूरी तरह हथियार लेके खत्म करो इस तरह के हेट स्पीचेस में कन्वर्ट होंगे। हम ये भूल ही गए कि ये नैरेटिव्स इनको इतनी ताकत देगी कि दलित बहनों पर बलात्कार होगा और ये आरोपियों के फेवर में मोर्चे निकालेंगे। वक्त आ गया है वंजारी साहब के पीछे पीछे चलने का, और खोबरागढ़ साहब ने जैसा कहा कि वक्त आ गया है सच बोलने का। आप किसी को फेवर कीजिए, किसी को अपोज कीजिए, ये मैं नहीं कहूंगा। मैं ये कहूंगा कि आपने सच बोलना है, आपको अपनी साइड तय करना है कि संविधान के किस तरफ आप खड़े हैं। क्या आप इक्वेलिटी के साथ हैं, क्या आप जस्टिस के साथ हैं, या फिर आप भी कास्ट के इनहेरिटेंस और हायरार्की में विश्वास करते हैं? अगर मैं संविधान पे विश्वास करता हूं तो मैं हर उस चीज के खिलाफ बोलूंगा जो इंसान इंसान में फर्क करे। अगर मैं संविधान के खिलाफ हूं तो मैं हर उस चीज का विरोध करूंगा कि जो मेरे अपने मेरिट पर मिलते हुए सिर्फ मुझे हायरार्की में मिले, जो मुझे इनहेरिटेंस में मिले। अगर मैं संविधान के साथ हूं तो मैं अकुमुलेशन ऑफ वेल्थ का भी विरोध करूंगा। और ये किताब हमको यही सारे मैसेजेस देके, यही सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मजबूर करती है। तो फिर से एक बार सर आपका बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी ओर से, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इसी तरह के और भी बुक्स लिखते रहे, और अगर इनके पब्लिकेशंस का यानी सेज पब्लिकेशंस को भी मैं मुबारकबाद न दूं तो मेरी बात अधूरी रह जाएगी। उनका भी धन्यवाद, उनको भी मुबारकबाद, और आपने मुझे यहाँ बुलाया, एक इज्जत दी और एक एकेडमिक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत के राष्ट्रपुरुष एवं भारत के संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, भारत की इस पवित्र धरती पर समतावादी एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को, विचारों को आगे ले जाने वाले सभी संतों महापुरुषों को, उनके त्याग और बलिदान को सबसे पहले इस पवित्र धरती दीक्षा भूमि के इस मंच से मैं अपने विनम्र अभिवादन करता हूं। और मुझे इस बात का अपने आप को इनफैक्ट
गौरवान्वित महसूस करता हूं कि इस मेरी पुस्तक का विमोचन इस पवित्र धरती से हो रहा है। आज इस बुक रिलीज कार्यक्रम के उपलक्ष में हमें बहुत ही प्रिविलेज महसूस हो रहा है कि हमको इस कार्यक्रम के लिए चीफ गेस्ट के रूप में ऑनरेबल जस्टिस केजी बालकृष्णन सर को सुनने का अवसर मिला। इनफैक्ट केजी बालकृष्णन सर वॉज काइंड इनफ टू कंसेंट टू कम टू नागपुर एंड इवन आफ्टर गेटिंग रिटायर्ड फ्रॉम हिज फॉर्मल बिजी शेड्यूल ही हैज बीन क्वाइट बिजी एंड हिज बिजीनेस makes us motivated and inspired. But because of the COVID restrictions और साथ में जो COVID transmission का COVID infection का जो अभी ज्यादा और दूसरे भी variant आए हैं उसके कारण वो यहां उपस्थित नहीं हुए, लेकिन उन्होंने बहुत ही उम्दा विचार यहां रखे। उसी प्रकार से हमारे बीच में यहां मौजूद एडवोकेट फिरदौस मिर्जा सर, श्री संदीप तामगाड़गे सर, श्री इजेट खोबरागड़े सर और अभी बहुत ही आर्टिकुलेट तरीके से बहुत ही महीन तरीके से हमारे बीच में जिन्होंने अपनी वाणी से हमें अभिभूत किया और जहां तक मुझे पता है कि जो सबल्टर्न जो इश्यूज रहे हैं इंडिया में जो ट्रेडिशनली गवर्न्ड क्लासेस रही है इंडिया में उनके बारे में जिन्होंने विस्तार से अध्ययन किया है 20-25-30 साल तक का उनका एकेडमिक एक इल्यूमिनेटिंग कैरियर रहा है। दूसरे मुल्कों के यूनिवर्सिटीज में उनके व्याख्यान होते हैं, वो सुपरिचित है दूसरे यूनिवर्सिटीज में दूसरे मुल्कों के ऐसे प्रोफेसर सुखदेव थोरात सर। यहां पर कोविड रेस्ट्रिक्शंस के कारण हमने बहुत से लोगों से प्रार्थना की कि चूंकि रेस्ट्रिक्शंस है तो ये लिमिटेड ऑडियंस में ही कर रहे हैं करके ऐसा बोलना पड़ा और सॉरी भी बोलना पड़ा और बोलना भी चाहिए, यह जान का प्रश्न है, खतरे का प्रश्न है और इसीलिए हमने कई साथियों को कई कार्यकर्ताओं को ये कहा कि आप यूट्यूब के माध्यम से मीडिया के माध्यम से आप घर बैठे इस कार्यक्रम को भी देख सकते हैं। और आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर यहां पर जो ऑडियंस में विशेष रूप से हमारे सीनियर कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, यहां पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट से डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस से डॉक्टर सिद्धार्थ गायकवाड़ जी हैं, सक्रिय कार्यकर्ताओं में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में जिंदा भगत सर मौजूद हैं, यहां पे मैं देख रहा हूं कि एसएसडी और बामसेफ के वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद हैं, विभिन्न डेमोक्रेटिक और इगालिटेरियन वैल्यूज में विश्वास रखने वाले ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित लोग जुड़े हुए हैं, विशेष रूप से यहां पर सेज पब्लिकेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और मीडिया के साथी भी हैं। आप सब लोगों को
मैं साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आप लोग यहां पर उपस्थित हैं और इस बुक रिलीज के कार्यक्रम में आप सक्रिय रूप से सहभागी हैं। उसी प्रकार से इस कार्यक्रम को लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो भी लोग हमसे रूबरू हो रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम को लाइव देखा और आगे मैं इस बुक के माध्यम से जिन विचारों को मैंने रखने की कोशिश की है उन विचारों से भी वो परिचित होंगे। लेकिन सबसे और अति महत्वपूर्ण चीज यह भी है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि यहां पर जो उपस्थित हमारे आदरणीय वक्तागण रहे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से जिन वक्ताओं ने अपनी बातें रखी हैं, उन वक्ताओं की बातें उन सभी लोगों तक पहुंची है जो लोग इस टेलीकास्ट को देख रहे हैं और उसके बाद में भी इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग देख सकेंगे। साथियों, मैं कुछ जो चंद जो बातें हैं आपके सामने जो रखने जा रहा हूं, लेकिन उसके पहले मैं हमारे सभी वक्ताओं को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतने सरल तरीके से, बहुत ही व्यवहारिक तरीके से पुस्तक की बातें रखी। और जैसे कि संदीप दादा ने यहां बताया कि कुछ लैंग्वेज बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और वो उस तरीके से है, मैं कोशिश करूंगा कि आगे आने वाले दिनों में जो डिस्कशंस होंगे उसको मैं हिंदी में बोलूंगा, यहां पे भी हिंदी में ही बोलूंगा अभी। और लेकिन मेरा बहुत सा जो काम है हमारे आदरणीय वक्ताओं ने वो ये किया है, तो मैं बुक की बातें जो है ज्यादा बहुत विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ चुनिंदा जो बातें हमारे आदरणीय वक्ताओं ने जो रखी है उसके ऊपर मैं कुछ बोलना चाहूंगा और कुछ चंद जो बातें हैं बुक के बारे में वो भी आपके सामने रखूंगा, क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है और वक्ताओं ने भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें रख चुके हैं, बहुत व्यवहारिक और ग्राउंड तरीके से जो बुक ने बातें कही है उसको रखा हुआ है। मेरा ये कहना है कि जो बुक राइटिंग का जो वर्क है, बुक के बारे में बताया गया है, बहुत सी चीजें बताई गई है, बहुत ही और हाई इंटेलेक्चुअल जो बातें हैं वो बताई गई हैं, वेल अप्रिसिएटेड, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, सैल्यूट करता हूं उन चीजों को, और ये बहुत ही इन्वेस्टिगेशन का विषय होना चाहिए, इसके ऊपर हमको फोकस होना चाहिए। लेकिन जो बुक राइटिंग का जो उपक्रम है वह इतना इजी भी नहीं है, इतना सरल भी नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैंने बहुत बड़ी मेहनत की है और बहुत उसका गौरवान्वित कर रहा हूं, उस दृष्टिकोण से नहीं बोल रहा। मेरी बुक के पहले और आगे में भी तमाम विद्वान इस विषय के ऊपर लिखेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। और मेरा मानना यह है कि कोई भी दुनिया का विद्वान यह नहीं बोल सकता कि उसकी लिखी हुई बात पत्थर की लकीर हो गई है, कोई नहीं बोल सकता, एंड मच लेस अबाउट मी। मैं इस सेंस में बोल रहा हूं कि बुक लिखने का मतलब आखिर क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय राइटिंग अ बुक, एंड मोर इंपॉर्टेंटली व्हाट डू वी मीन बाय व्हेन वी गेट अवर बुक पब्लिश्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। हम बुक का लिखना और उसके बाद में उसका पब्लिकेशन होना, पब्लिश होना, ये दोनों चीजें एक ही नहीं है, ये दोनों चीजें अलग है। बुक का एक प्रकार से लिखना, मैं कई ऐसे कार्यकर्ताओं से मिलता हूं और मिला हूं जिन्होंने बुक की पांडुलिपियां या मैन्युस्क्रिप्ट रख दी अपने पास, उनके पास में है। और यही नहीं तो मैं ये बताना चाहूंगा इस पटल के माध्यम से
कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ दूसरा कार्य करते करते पुस्तकें अपना नोट डाउन किया है, किसी ने किसानी का काम करते करते, किसी ने बीड़ी बढ़ाते बनाते। मैं ऐसे कई कार्यकर्ताओं से मिला हूं मिर्जा सर, बीड़ी बनाते बनाते जो बाकी का समय मिल रहा है, he has written a book, not I will not say a book but manuscript, not typed manner, हाथ से लिख के। But what about the publication? In that sense, the writing a manuscript and getting it published are both the two different aspect. और जब आप लिख के उसको जब पब्लिश करते हैं, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है, यू आर गेटिंग एक्सेस टू द डिस्कोर्स, यू आर गेटिंग एक्सेस टू द विमर्स, आपको एक्सेस प्राप्त हो रहा है विमर्स, जो विमर्स चल रहा है, जो विचार विमर्श चल रहा है, जो मेनस्ट्रीम मुख्यधारा का जो विमर्श चल रहा है, उसमें आपको एक्सेस मिल रहा है। दैट इज वॉट वी मीन बाय व्हेन यू गेट इट पब्लिश्ड, एंड दैट टू व्हेन इट कम्स टू द मेनस्ट्रीम यू नो पब्लिशर्स। और डिस्कोर्स का मिलना, एक्सेस मिलना, दिस इज क्वाइट स्ट्रगलिंग। This is what I am saying, that writing a book and then getting it published is not an easy thing. This is what we have to read. क्योंकि आपको एक्सेस मेनस्ट्रीम मीडिया में, मेनस्ट्रीम डिस्कोर्स में मिलना, इट इज डिफिकल्ट। जैसे भी अभी पूर्ववक्ताओं ने बताया कि एक नैरेटिव, एक डिस्कोर्स चलता है जो पूरे सिस्टम को एक डायरेक्शन देने का काम करता है, एक डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करता है। उस मेनस्ट्रीम डिस्कोर्स में आप एक ऐसी बात रख रहे हो जो मेनस्ट्रीम डिस्कोर्स से डिफरेंट हो, तो मेनस्ट्रीम डिस्कोर्स उसको उतना तवज्जो नहीं देगा, एंड देर आर चांसेस, देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यूर इफर्ट टू गेट इट पब्लिश्ड मे गेट hard resistance. There are chances. And from that perspective, is drashtikon se, getting a book published, and that too with your original ideas, is tricky and at the same time challenging. आप सब लोगों को पता होगा बाबा साहब का वाकिया जो एनियलिसन कास्ट अभी हमारे सर ने बताया। You know better, he was not allowed to speak. But then, he had to do that at any cost. So this is very important aspect. And at the same time, we have to understand, हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे ideas को discourse मिलना क्यों important है, क्यों इसीलिए। और नहीं, हम अगर बात नहीं बोलेंगे, हम बात नहीं करेंगे, हम attempt ही नहीं करेंगे, तो वो बात आएगी नहीं। अभी आपने देखा हमारे आदरणीय पूर्व वक्ताओं ने बताया कि बोलना, उस चीज के बारे में बोलना जो आपको लगता है, जो भी लिमिटेशंस हो, उस लिमिटेशंस में रहने के बावजूद भी, वो अति महत्वपूर्ण है। एंड फ्रॉम दैट सेंस वी हैव टू अंडरस्टैंड द एनी आइडिया दैट कम्स टू योर माइंड, पेन इट डाउन। दैट आइडिया मे नॉट सीम टू बी वेरी यू नो रिवोल्यूशनरी एट द मोमेंट व्हेन यू थिंक अबाउट दैट। जब वो आइडिया आपके बीच में आएगा, आपके जहन में आएगा, हो सकता है आपको उसकी अहमियत उतनी पता ना होगी, लेकिन यह भी हो सकता है कि जब वो दुनिया में जाएगा, लोगों के बीच में जाएगा, तो उसको प्राप्त करने वाले हो सकता है कि कुछ लोग डायरेक्शन ही चेंज कर दें। एंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इस तरीके से इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वॉन्टेड टू टेल। दूसरी एक जो चीज है जो मैं इस बुक के बारे में बताना चाहता हूं, अभी आदरणीय पूर्व वक्ताओं ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई बुक के बारे में, और कुछ चीजें जो कंस्ट्रक्टिव जो क्रिटिक्स हुआ है वो भी बहुत बेहतरीन रहा है, इंक्लूडिंग अभी जो लास्ट वक्ता रहे हमारे आदरणीय थोरात सर।
उनके ऊपर मैं कुछ टिप्पणी या कुछ कमेंट जरूर करूंगा, लेकिन ये होने के पहले मैं एक दूसरा जो पॉइंट जो बताना चाहता हूं इसके बाद जो मैंने आपको बताया वो ये है कि ये जो बुक है बेसिकली ये बुक कुछ मुंडेन जो पॉलिटिक्स हो रही है या होती है उसके बारे में नहीं है, उसके बारे में नहीं है, राजनीति पर से या राजनीति के ही मतलब एक्सक्लूसिवली जो राजनीति हो रही है, कौन सी पार्टी किसके साथ में लड़ रही है, किस तरीके से पॉलिटिकल प्रोसेस चल रही है, ये जो दैनंदिन या हम वर्षों दर वर्ष में जो देख रहे हैं इसके बारे में ये बुक एस जनरल नहीं है। ये बुक जो है बेसिकली उन चीजों का जिक्र करती जरूर है क्योंकि उनका जिक्र करना लाजमी है और जरूरी भी है, लेकिन ये कंप्लीटली उसके बारे में नहीं है अगर उसको मोटा मोटे तरीके से देखेंगे तो। ये तो एक किसके बारे में है, वो है कि कई बार ऐसा होता है कि पॉलिटिक्स चलती रहती है, जैसे अभी हमारे अमीर जा सर ने कहा कि कुछ चीजें हमको समझ में नहीं आती कि कैसे चल रहा है, इन अ वेरी इनविजिबल मैनर द थिंग्स डू हैपन, बहुत ही अदृश्य तरीके से होता है, उसका जिक्र मैंने कहा है। और एक अगर आप टॉपिक देखेंगे तो उसमें मैंने एक लिखा है एडम स्मिथ को रिफर करते हुए, इकोनॉमिस्ट हुए हैं, बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, आप सब लोगों को पता होगा एडम स्मिथ, वहां पर एक चैप्टर भी है जिसमें मैंने एक बनाया है एक सब टॉपिक, उसमें यह है इनविजिबल हैंड बिकम्स विजिबल, ये एक ऐसा ये है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमको दिखाई नहीं देती लेकिन वो धीरे धीरे होती रहती है, धीरे धीरे होती रहती है। वो क्या है? वो ये है कि अगर आप ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको यह दिखेगा कि हर युग का एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है, एक राजनीतिक व्यवस्था होती है, और उस राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत फिर राजनीति होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर युग का एक राजनीतिक सिस्टम होता है, एक राजनीतिक व्यवस्था होती है, और उस व्यवस्था के अंतर्गत एक राजनीति होती है। प्राचीन काल में पॉलिटिकल सिस्टम अलग थे, मध्ययुगीन काल में पॉलिटिकल सिस्टम राजनीतिक व्यवस्था अलग थी, 1950 में 1950 के बाद में पॉलिटिकल सिस्टम का नेचर चेंज हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम, और उस पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करने का जो काम है वो भारत के संविधान ने किया है, दैट इज हाउ वी अंडरस्टैंड। लेकिन जो सबसे अति महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये होती है कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम जो बनता है और जिस तरीके से हमको दिखता है, जैसे कि आज की तारीख 1950 के बाद हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम बना हुआ है वह डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के आधार पे है, डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के आधार पे है। हमने स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, स्टेट के पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, इधर लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी, और उसके बाद में उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स, और इस ढांचे के अंतर्गत फिर पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल प्रोसेस, इलेक्शंस, ये सारी चीजें होती, और इसी को कहते हैं हम सामान्य शब्दों में रूल्स ऑफ द गेम, इसी को हम कहते हैं रूल्स ऑफ द गेम। ये जो पावर को हथियाने की जो प्रक्रिया है ये कोई नई नहीं है, और ये ऐसा नहीं है कि आज ही होगा, ये पहले से चलता आ रहा है, आगे भी चलेगा। पावर का उपयोग दो तरीके से हो सकता है, दो तरीके से, मोटा मोटी मेरी समझ है, ये मोटी समझ है। ब्रॉडली अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखोगे तो पावर का दो तरीके से ही उपयोग मोर ऑर लेस होता है, फिर उसमें सारी चीजें आ गई, और टेक्निकल चीजों में मैं नहीं पढ़ना चाहता। पावर का उपयोग अगर हिस्टोरिकल, अगर ट्रेजेक्टरी हम देखें, इतिहास को देखें, तो नंबर एक एक चीज के लिए हुआ है, वो है टू परपेचुएट योर सेल्फ इन पावर, डिप्लॉयड पावर, पावर का उपयोग करते हुए अपने आप को और पावर में ही परपेचुएट कर, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, पहले अलग होता होगा, अभी अलग तरीके से होता है, लेकिन अगर उसको पावर की
संकल्पना को हम अगर देखें और उसके उपयोग को देखें मोटा मोटी, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके पास में पावर है वो एक तो सबसे पहले अपने आप को पावर में और परपेचुएट करने की कोशिश कर सकता है, नंबर एक। और नंबर दो, इस पावर का उपयोग डेवलपमेंट के लिए कर सकता है, सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कर सकता है, इस पावर का उपयोग तमाम लोगों की जिंदगियां बदलने के लिए भी की जा सकती है। दिस इज द सेकंड एस्पेक्ट। पूरी की पूरी जो ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि रही है वो इन्हीं दोनों एस्पेक्ट्स के बीच में घूमती दिखाई देती है। एक तो कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम, कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम ये दो एस्पेक्ट के बीच में घुमाई जाती है। बाबा साहब का जो पूरा के पूरा यथार्थवादी जो इम्फेसिस है, जो बल है, उन्होंने जो हमारी सामाजिक ताने बाने में जो देखा, उनका इम्फेसिस ये था कि एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए जिसके माध्यम से अलग अलग तरीके से, चाहे वो कास्ट के आधार पे हो, पॉलिटिको आइडियोलॉजिकल नए नए नैरेटिव पैदा करके हो, जो पावर का उपयोग अपने को ही परपेचुएट करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उसको किस तरीके से रोका जाए और किस तरीके से पावर का उपयोग, पावर का डिप्लॉयमेंट डेमोक्रेटिक तरीके से लोगों के कल्याण के लिए हो, सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हो, सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये बाबा साहब का इम्पेसिस रहा है। मैंने अलग अलग रेफरेंस लेके इस बात को वहां पर लिखने की कोशिश की और इसीलिए इस चीज को हमको समझना अति महत्वपूर्ण है कि दैनंदिन जीवन में जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस होती है, इलेक्शंस होते हैं, उसको जोड़ जोड़ के अगर आप देखोगे तो फिर हमको पता चलता है कि कई बार इस रूल्स ऑफ द गेम जो होते हैं उसको ही चेंज करने की कोशिश होती है, चाहे वो एक्सप्लिसिट तरीके से प्रत्यक्ष रूप से या फिर इम्प्लिसिट तरीके से परोक्ष तरीके से किए जा सकती है। और यही नहीं तो जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसी का उपयोग करके जो रूल्स ऑफ द गेम बने हुए हैं, उन्हीं का उपयोग करके रूल्स ऑफ द गेम में ही परिवर्तन करने का की कोशिश भी की जा सकती है। दिस इज व्हाट मैंने यहां लिखने की कोशिश की। हर युग में रूल्स ऑफ द गेम का जो नेचर है, रूल्स ऑफ द गेम का मतलब यह है कि ये जो स्ट्रगल होता है उसको हम गेम कह सकते हैं, तो उसके रूल्स होने चाहिए। आप पॉलिटिक्स को रूल्ड आउट नहीं कर सकते, राजनीति को हम रूल्ड आउट नहीं कर सकते हैं, कोई भी युग उसका नेचर चेंज हो सकता है, वो रहेगी, राजनीतिक प्रक्रिया रहेगी, लेकिन राजनीतिक प्रक्रियाओं को समायोजित कैसे किया जाए, उसको एक विशेष डायरेक्शन कैसी दी जाए, उसका उपयोग सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कैसे किया जाए, यह असली प्रश्न है, यह असली मुद्दा। और इसीलिए जब हम ये दैनंदिन जीवन के छोटे छोटे जो अलग अलग घटनाएं देखते हैं और उन घटनाओं को अगर हम देखें और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स में अगर देखें, जैसे कि थोरात सर ने भी अभी बहुत सी चीजें बताई और मिर्जा सर और उसके पहले सर दादा ने भी बताया, तो क्या होता है कि ये जो रूल्स ऑफ द गेम चेंज करने की जो प्रक्रिया होती है उसी के माध्यम से पॉलिटिकल सिस्टम कंप्लीटली चेंज होने की कगार पे आ जाता है। आपको सारी की सारी जो चीजें हैं जैसी की वैसी दिखाई देगी, लेकिन इफेक्टिव जो है, इफेक्टिव मतलब प्रभावशाली तरीके से जो चीजें एक्चुअल में होगी वो होते हुए आपको दिखाई नहीं देगी, नहीं देगी। आप लोग 1980, 1970, 1990 के दशक के जो बुक्स है, जो इंडिया की डेमोक्रेसी के ऊपर फॉरेन ऑथर्स ने लिखा हो या इंडियन ऑथर्स ने लिखा हो, पढ़िए, उसमें देखिए क्या लिखा है। उसमें आपको ज्यादातर जो दिखेगा डिस्कोर्स में या विमर्श में, वो आपको दिखेगा कि भारत के लोकतंत्र के बारे में गुणगान गाए गए, बहुत बड़े बड़े गुणगान गाए। ये नहीं बोल रहा चाहिए कि गुणगान नहीं गाना चाहिए, गुणगान अवश्य गाना चाहिए, लेकिन यथार्थ की बिना समीक्षा किए और आगे आने वाले जो समय की नजाकत को न समझते हुए, उसका आकलन न करते हुए अगर हम गुणगान गाते रहे
तो सिर्फ गुणगान ही गा सकेंगे, फिर यथार्थ में हम कुछ करने के लायक नहीं बच सकेंगे। आज जब वो मैं उन लोगों की पुस्तक जो 1970-80-90 में लिखा करते थे, चाहे वो फॉरेन ऑथर्स हो, और आज जब वो उनकी बुक्स हम पढ़ते हैं, जब पेपर्स हम उनके पढ़ते हैं, लेख पढ़ते हैं, तो उसमें जमीन आसमान का अंतर है। नाउ दे आर कंपेल्ड टू चेंज देयर ओन वर्सेस, they are forced, उनको मजबूर होके जो उन्होंने बात कही पहले 1970-80-90 में, आज वो उसको मजबूर है चेंज करने की। या भी आज उनकी जो डिस्कोर्स है, उनका जो नैरेटिव्स या उनके जो विचार हैं, जो उन्होंने 1970-80-90 में रखे हो, आज उनको पढ़ोगे तो ऐसा लगता है कि यार उन्होंने क्या लिखा फिर। I mean they were, I'm not saying that I am an expert, but at the same time मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूं कि किस तरीके से वो कंपेल्ड हुए हैं कि आज की नजाकत को फिर एक दूसरे तरीके से पेश कर। दैट इज व्हाट। तो ये जो बुक है, ये बुक में इस बात के ऊपर बल दिया गया है कि पॉलिटिकल सिस्टम में किस तरीके से चेंज हो सकता है। पॉलिटिकल सिस्टम में जो जिस तरीके से दिखता है, सारे जो प्रोविजंस, फॉर्मल प्रोविजंस आपको दिखाई देंगे जैसे हैं, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम में ही किस तरीके से चेंज हो जाता है, रूल्स ऑफ द गेम में किस तरीके से चेंज हो जाता है, इस पुस्तक में उस चीज को रखने की कोशिश की गई है। और इसमें इस चीज के ऊपर बल दिया गया है कि कास्ट या कास्ट सिस्टम का जिस तरीके से पॉलिटिक्स को समझने का, जो पॉलिटिक्स को समझने के लिए जो कास्ट सिस्टम या कास्ट का उपयोग किया गया है उसमें रिवीजन करने की जरूरत है। ये पुस्तक बताने की कोशिश कर रही है। वो इसीलिए क्योंकि आप अगर एनालिसिस, चाहे वो मीडिया में पढ़ेंगे, आप बुक्स में देखेंगे, सोशल मीडिया पे देखेंगे, या एनालिसिस देखेंगे किसको कितनी सीट मिली, इस कास्ट से कितने हैं, उस कास्ट से कितने हैं, ये डाटा वो डाटा, इस कास्ट से इतने लिए गए, उस कास्ट से इस पार्टी ने इतने को टिकट दिए, इसी के इर्द गिर्द घूमता दिखता है मोस्ट ऑफ। मैं उसके अच्छे भले में नहीं जा रहा हूं, अच्छा है बुरा है वो आई एम लिविंग, लेकिन हायरार्किकल जो सोशल ऑर्डर है इन टर्म्स ऑफ कास्ट सिस्टम, उसका उपयोग करते हुए पॉलिटिकल सिस्टम को ही ऑल टुगेदर चेंज करने के लिए जो भूमिका ली जा रही है, ये बुक उस चीज के तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर। और मैंने इस बुक के माध्यम से यह आह्वान करने की कोशिश की है कि कास्ट सिस्टम सिर्फ और सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एनालिसिस करने का माध्यम नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता, उससे परे जाके हमको सोचने की जरूरत है। एंड From that perspective, I am saying the way the political system should have been studied in India from the perspective as to how the hierarchical social order has impacted the sophisticated and subtle change in the political system. That is what the book wants to pinpoint. This is very important aspect that I wanted to say. और इसीलिए इस चीज को हमको समझना पड़ेगा कि क्यों इवन आफ्टर द 70 इयर्स और फॉर दैट मैटर आई मे बी आई एम इनकरेक्ट मे बी 75 इयर्स और सो स्टिल वी आर फाइंडिंग व्हाई देयर इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर पॉलिटिकल पावर इन फ्यू हैंड्स, व्हाई द राइजिंग बिजनेस पावर इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय फ्यू हैंड्स ओनली। अभी इजेड सर ने डेटा दिया 5%, 10% और 70% पूरे रिसोर्सेस। पॉलिटिकल जो साइंटिस्ट है वो बिजनेस पावर को, वो बड़े पावर है या उनके पास में वेल्थ है इसीलिए अध्ययन नहीं करते। कोई श्रीमंत व्यक्ति है तो सिर्फ वो श्रीमंत है इसके लिए अध्ययन नहीं करते पॉलिटिकल साइंस वाले, जहां तक मुझे समझ। वो इसलिए अध्ययन करते हैं कि ये वेल्दी व्यक्ति पॉलिसी प्रोसेसेस में और पॉलिटिकल प्रोसेस में कितना इन्फ्लुएंशियल है और किस डायरेक्शन में ले जा रहा है पॉलिटिकल सिस्टम, इसलिए अध्ययन कर। और साथियों इसीलिए
इस बुक के माध्यम से ये जो लॉन्ग टर्म का जो इम्प्लीकेशन है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए, उसके ऊपर एम्फेसाइज करने की कोशिश कर। दिस इज वन पॉइंट, दिस द सेकंड पॉइंट दैट आई वांटेड टू। अभी पॉलिटिक्स के बारे में बहुत सी चीजें बताई गई और बहुत ही सार्थक तरीके से, बहुत ही उम्दा तरीके से, बहुत ही रिलेवेंट एस्पेक्ट्स इंडियन सोशियो पॉलिटिकल प्रोसेसेस के दिए गए, डेटा लाजवाब। इस चीज को मैं एक और जो पॉइंट है जो आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है, और उसमें बाबा साहब के विचार को लाना चाहता हूं, वो ये है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पॉलिटिक्स को एक पिजोरेटिव तरीके से देखने का भी एक डिस्कोर्स चल रहा है और चलता रहा। पिजोरेटिव तरीके का देखने का मतलब कि हे दृष्टि से बना है, अरे उसमें मत जा, उस लपड़े में मत पड़, उस पचड़े में मत पड़, यानी आम जो भाषा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको कि आप जाके उसी इसमें ये, आई एम नॉट सेइंग, आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ कि उसका एकेडमिक स्टफ के बारे में। लेकिन अगर हम या वो लोग जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस में कभी रहे नहीं, उनका कोई से ही नहीं है, उनका पॉलिसीज ही, पॉलिसी प्रोसेसेस में कोई ज्यादा से रहा ही नहीं है, और फिर आप अपेक्षा करेंगे कि उन्हीं के लिए पॉलिसीज ठीक से बन जाए, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, इट इज बियॉन्ड द रियलिज्म, इट इज बियॉन्ड द रियलिस्टिक थिंकिंग, इट इज बियॉन्ड द ग्राउंड रियलिटीज। मैं कैसे हमेशा के लिए यह दावा करता हूं, कर सकता हूं कि हमेशा मैं डिसीजन मेकर रहा हूं, हमेशा मेरे हाथ में हुकूमत रही है, और मैं हमेशा के लिए हमेशा यही बात रट करके रखूं कि नहीं, आप लोग जो डिसीजन मेकिंग में कभी भागीदार रहे नहीं, तो मैं आप लोगों के लिए हमेशा अच्छी पॉलिसीज बनाऊंगा। हाउ अनरियलिस्टिक इट कैन बी, इट इज कंप्लीटली नॉट रियलिस्टिक। एंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, उस दृष्टिकोण से हमको यह समझना पड़ेगा कि अगर हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को उसके सब्सटेंस तक, उसके प्रभाव तक ले जाना चाहते हैं, तो इस एस्पेक्ट को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप कितना भी कल्चरल आइडियोलॉजिकल उसमें डिस्कोर्स लाओ, कितना भी नरेटिव्स लाओ, लेकिन अल्टीमेटली व्हाट विल मैटर, द थिंग्स विच विल मैटर इज अबाउट the lives of the people, the humanity after all, इंसानियत की ही जो तवज्जो देनी पड़ेगी ना after all। और अगर आपने लोगों की समस्याएं, लोगों के problems, उसको तवज्जो नहीं दिए, तो फिर जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि पावर का उपयोग सिर्फ, यू आर मेकिंग यूज ऑफ द पावर टू perpetuate yourself। और इसीलिए हम पॉलिटिक्स को जो डिस्कोर्स बनाया जाता है कि नहीं ये इस तरीके से है, उस तरीके से है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि देर आर नो चैलेंजेस, बट एट द सेम टाइम आप अगर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भाग नहीं लेते हैं या कोई नहीं लेता है, तो फिर ऐसी स्थिति में आप जिस तरीके से प्रिफरेंसेस चाहते हैं कि वो पॉलिसी में चेंज हो, वो नहीं हो सकेंगे उतने। क्यों हो सकेंगे? आफ्टर ऑल पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस का जो निचोड़ है वो आखिर है क्या? निचोड़ ये है कि समाज के कुछ प्रिफरेंसेस होते हैं, समाज कुछ चाहता है, आप लोग, हम सब लोग कुछ चाहते हैं कि इस तरीके की चीजें हो, और वह चीजें पॉलिसी के रूप में परिवर्तित हो जाए। पॉलिसी बनना मतलब क्या है? जो आप चाहते हो, समाज जो चाहता है, लोग जो चाहते हैं, वो अगर होता हुआ दिखे विद द पावर ऑफ द स्टेट, वो पॉलिसीज है। तो अगर इसको पिजोरेटिव तरीके से देखा जाए और उसके चैलेंजेस को हम स्वीकार न करें, और हमेशा हम अपने आप को अलग थलग रखने की कोशिश करें, तो ऐसी स्थिति में वी विल नॉट फाइंड दैट द पॉलिसीज आर बीइंग मेड द वे दैट दे शुड बी।
और इसीलिए हम कभी भी पॉलिटिक्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं उस चीज में नहीं पढ़ना चाहता या आपको नहीं बताना चाहता कि इसके ऊपर ये कटाच करो वो कटाच करो। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। आई एम जस्ट सेइंग देयर इज अ सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। अब अगर मान के चलो आप डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स या लोकतांत्रिक राजनीति यहां पर भारत में देखना चाहते हो, जैसे कि संविधान में कहा गया है, जैसे कि इन्विसाज किया गया है, तो यहां पे भारत में जो चीजें बनाई गई उसका आधार क्या है? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का आधार क्या है? इंस्टीट्यूशंस है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है। लेकिन ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का नेचर क्या है? क्या है? क्या वो रिलीजियस है? क्या वो कल्चरल है? क्या वो सोशियल है? क्या वो मोरल है? व्हाट इज द नेचर ऑफ दोज इंस्टीट्यूशंस? इनका जो आधार है, इनका जो नेचर है, उसको बाबा साहब कहते हैं रैशनल लीगल फ्रेमवर्क। रैशनल लीगल यानी रीजन के आधार पर, विवेक के आधार पर, साइंटिफिक बेसिस के आधार पर रैशनल लीगल, उसको बाबा साहब उस तरीके से। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का जो आधार है वो रैशनल लीगल, और बाबा साहब चाहते हैं कि इस रैशनल लीगल इंस्टीट्यूशंस का उपयोग सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हो, इंपार्शियल तरीके से हो, ऑटोनॉमस स्टेट के तहत हो, इंपर्सनलाइज स्टेट के तहत हो, ताकि इक्वल ट्रीटमेंट टू ईच एंड एवरी पर्सन, इक्वल ट्रीटमेंट, द स्टेट इज एक्सपेक्टेड टू ट्रीट एवरीबडी इक्वली एंड ऑफ कोर्स दोज हु आर नॉट अनइक्वल अनइक्वली। ये है रेशनल लीगल बेसिस। लेकिन आप सब लोगों को पता होगा, और ये मैं इस पटल के माध्यम से इंफेसाइज करना चाहता हूं कि लेकिन आपने ये पढ़ा होगा कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर आगे जाके ये कहते हैं कि रेशनल लीगल या रीजन इटसेल्फ इज नॉट सफिशियंट। तर्क वितर्क, विवेक, ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है। जो डिलीवरी जस्टिस की और इंपार्शियलिटी की हम चाहते हैं, उसके लिए ये लीगल रेशनल फ्रेमवर्क ये पर्याप्त नहीं है। तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए मोरलिटी। दैट इज व्हाट इजेट सर ने पहले ही बताया, मोरलिटी। और इसीलिए वो चाहते हैं कि रिलीजन का भी वहां महत्व है, रिलीजन का महत्व है। लेकिन उनका मतलब यह नहीं है कि मोरलिटी मतलब रिलीजन और रिलीजन का मतलब मोरलिटी। नो, इट इज नॉट। मोरलिटी इज नॉट डिपेंडेंट एंड सब्जेक्ट टू द रिलीजन। और आप सब लोगों को यह भी पता होगा कि जब वो रिलीजन की बात करते हैं तो क्वालिफाइड रिलीजन चाहिए उनको, और ऐसा रिलीजन चाहिए जो हुमेन सेंटर्ड हो, हुमेन ओरिएंटेड हो। और ये मोरलिटी, इस तरीके का रिलीजन जो क्वालिफाइड हो, वो इस रीजन को इन्फ्लुएंस करे, वो उसकी डायरेक्शन तय करे, और तब हम देखेंगे कि वो डिलीवरी इफेक्टिव हो पाएगी। दैट इज व्हाट बाबा साहब, आई थिंक जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बाबा साहब ने जो संविधान के माध्यम से जो दिया, उनका जो इंफेसाइज था कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के तहत आवश्यक कर दिया जाए। जो नहीं है वो अलग बात है, इन्फोर्सेबल नहीं है वो अलग बात है, उसकी इसमें नहीं जा रहा। लेकिन बाबा साहब ने ये कहा कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के तहत आवश्यक बना दिया जाए। उनके इस तर्क के पीछे मैं मान के चलता हूं कि ये जो लीगल रेशनल फ्रेमवर्क, उसके साथ में ये जो मोरलिटी का जो उन्होंने सपोर्ट दिया है, उसके पीछे। और इसीलिए हमको इस चीज को समझना पड़ेगा। जो भी विद्वान है उन लोगों से भी वो गुजारिश है कि इस तर्क को समझे। गवर्नेंस जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीजन, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, कैन नॉट बी सफिशियंट। इट हैज टू बी सप्लीमेंटेड बाय सम ड्राइविंग फोर्स टू हैव इक्वल ट्रीटमेंट टू एवरीबॉडी एज एक्सटेंडेड बाय द स्टेट। और इसीलिए इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। बहुत सी चीजें हैं जो यहां पे बोली गई, अब मैं
चंद दो तीन बातें बोल के अपने संभाषण को यहाँ समाप्त करूंगा, जिसमें कि जो बातें बोली गई है उसके बारे में मैं बोल के, जिसमें कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस एक्स चीफ जस्टिस साहब ने सर ने जो बोला, जिसमें कि सबसे प्रोमिनेंट उन्होंने जो बात बोली है वो है हायरार्की हैज बीन रेगुलेटिंग द स्टेट। मतलब हायरार्किकल जो सोशल ऑर्डर है, और इसी को मैंने, अगर आप बुक पढ़ेंगे याद आए इसलिए बता रहा हूं मैं, और इसीलिए मैंने आप बुक पढ़ेंगे तो देखेंगे कि मैंने एक टर्मिनोलॉजी उपयोग की है, उसमें मैं कह रहा हूं, मेरी बुक कह रही है एक्सपांडेड कास्ट सिस्टम। एक्सपांडेड कास्ट सिस्टम यानी कास्ट सिस्टम एक कैटेगराइजेशन करता है, और सिर्फ कैटेगराइजेशन नहीं करता है तो उसका एक लेडर बनाता है, एक सीढ़ी बनाता है, एक हायरार्की बनाता है ग्रेडेड इनइक्वलिटी के माध्यम से, और उसके माध्यम से ये जो अलग अलग जो सोशल ग्रुप्स है या ह्यूमन बींग्स है उसको कैटेगराइज करता है। और ऐसी स्थिति में जब ये कैटेगराइजेशन करता है तो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग इनइक्वलिटी होती है, और हर किसी का एक दर्जा होता है, एक स्टेटस होता है, और उस कास्ट सिस्टम में या उस हायरार्किकल सोशल ऑर्डर में जो लोअर स्टेटा है उनकी क्या स्थिति होती है, आई मीन यू नो बेटर, यानी इन प्रिंसिपल और एक्चुअल में यू नो बेटर। लेकिन कुछ ऐसे सोशल ग्रुप्स हैं, चाहे वो इतनी ग्रुप्स हो, रिलीजियस ग्रुप्स हो, कास्ट ग्रुप्स हो, कल्चरल ग्रुप्स हो, जो अगर फॉर्मली पारंपरिक तरीके से, कन्वेंशनल तरीके से, औपचारिक तरीके से वो इस कास्ट सिस्टम का, इस हायरार्किकल सोशल ऑर्डर का हिस्सा नहीं है, लेकिन इमर्जिंग सिचुएशन के कारण, इमर्जिंग एक्सपीडियंसिस के कारण, इमर्जिंग स्ट्रेटजीज के कारण उन वर्गों को भी मुझे उसी दर्जे पे पहुंचाना है जिस दर्जे पे पहले कन्वेंशनल तरीके से लोअर स्टेटा है, तो फिर मुझे दूसरी स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, उन्हीं को उसी लेवल पे पहुंचाना पड़ेगा। अगर कोई ऐसे ग्रुप है जो ऑटोनॉमस बन रहे हैं इस पूरे पूरे हायरार्किकल सोशल ऑर्डर से, और वो ऑटोनॉमस बन के पॉलिटिकल प्रोसेसेस में अगर अपने आप को असर्ट कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मुझे कुछ ना कुछ ऐसी चीज और एक्सपेक्टेंसीज करनी पड़ेगी जिसके माध्यम से इन असर्टिव ग्रुप्स को मैं उसी लेवल पे लाऊं जिस तरीके से कन्वेंशनल तरीके से हायरार्किकल सोशल ऑर्डर में कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं। और इस चीज को जिक्र करने के लिए मैंने वहां इलेबोरेट किया है कि इट इज व्हाट आई सेंस एज अ एक्सपांडेड कास्ट सिस्टम। सो व्हाट यू आर डूइंग, जैसे कि अभी थोरा साहब ने, यू आर एकोमोडेटिंग, you are trying to accommodating, you try to strategize, aap kuch is tarike se kar rahe hai jiske karan unko accommodate kiya jaye ya something like that, or co-opt kiya jaye, aur ye jo unhone baat kahi ki jiske madhyam se state institutions ke upar uska asar hota hai, and then you just ek jagah maine ye kiya hai ki kis tarike se basically jo state institutions hai usme bhi aap agar dekhenge usme padhenge to maine wahan par horizontal और वर्टिकल किस तरीके से ये जो गवर्निंग क्लास है उसमें किस तरीके से तालतम्यता बन रही है उसका भी मैंने जिक्र करने की कोशिश की है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीज है जो चीफ जस्टिस सर ने एक्स चीफ जस्टिस सर ने बताया वो ये है पावर सर्कल, जिसका जिक्र बाबा साहब ने भी बहुत ही इलेबोरेट तरीके से किया, रिसाइकलिंग ऑफ द गवर्निंग क्लास। बाबा साहब कहते हैं कि गवर्निंग क्लास होना ये कोई नई बात नहीं है, ये हर मुल्क में होता ही, गवर्निंग क्लास रहेगी एक, लेकिन उनका कहना ये है कि वही सोशल ग्रुप हमेशा के हमेशा गवर्निंग क्लास रहे, दिस इज द मोस्ट डेंजरस एस्पेक्ट ऑफ एनी डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। और इसीलिए उनका सबसे और अति महत्वपूर्ण जो रियलिस्टिक एस्पेक्ट है जो डेमोक्रेसी के बारे में बाबा साहब कहते हैं वो ये है कि हमेशा के हमेशा रिसाइकलिंग अगर होती रहे डेमोक्रेसी में उन्हीं सोशल ग्रुप्स की, तो उससे बड़ा डेंजर किसी भी डेमोक्रेसी के लिए नहीं हो सकता है। आई हैव इलोबोरेटेड, मैंने कुछ उसमें एग्जांपल्स भी दिए हैं जो कि यानी हमारे लिए अति महत्वपूर्ण चीज है। इजेट सर ने जो महत्वपूर्ण बात बोली है उसका भी मैं जिक्र कर लूं तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जो उन्होंने बात कही है। उन्होंने
जो दो शब्द उपयोग किए हैं विच आर वेरी टचिंग अबाउट द इंटीग्रिटी एंड फियरलेसनेस. इंटीग्रिटी एंड फियरलेसनेस. आई थिंक दिस इंटीग्रिटी एंड फियरलेसनेस इट इज नॉट जस्ट एन इंडिविजुअलिस्टिक वर्च्यू और वैल्यू. इट इज मोर बियॉन्ड दैट. हमारी इंटीग्रिटी होना और फियरलेस होना यह सिर्फ इस उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता. उसके रिपरकशंस होते हैं, उसके इंप्लीकेशंस होते हैं. और यही नहीं तो ये जो इस तरीके के जो वैल्यूज है वो डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन जो होता है उसको मजबूत करने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इसीलिए उन चीजों को हमको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. हम हमेशा इजेट सर हमारे लिए एक मिसाल रहे हैं और जिस तरीके से उनका हमेशा उपक्रम रहा है और उन्होंने हमेशा गाइडेंस किया है. और इस बारे में आई मीन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू टेक नोट ऑफ इवन व्हेन वी टॉक अबाउट द डेमोक्रेटिक प्रोसेस. एक जो चीज है जो तामगड़े सर ने जो बोली है एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वुड लाइक टू यू नो से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट दैट. And this is what, you know, one of the most important aspect when it, you know, goes to the content of the book. उसमें मैंने जो जैसे कि शुरू में आपको मैंने बताया कि different strategies governing class को adopt करना पड़ता है क्योंकि वही समय नहीं रहता, वही एज नहीं रहती, वही पीरियड नहीं रहता. और टेक्नोलॉजी को, ज्ञान को, नए आइडियाज को आप एक सीमित तक ही रोक सकते हो, उसके बियॉन्ड आप नहीं रोक सकते. उसका उपयोग किस तरीके से होगा उसको कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन कंप्लीटली सेबोटेज आइडियाज का कर देना आई थिंक इट इज वेरी वेरी चैलेंजिंग इवन फॉर दोज हु वांट टू डू सो. और इसी का नतीजा है कि जिस मुकाम पे आज मानव जाति पहुंची है वह इस बात का द्योतक है, वह इस बात को इंडिकेट करता है कि टेक्नोलॉजी नॉलेज इसको रोकना कितना चैलेंजिंग है. तो जैसे जैसे सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं, सोशियो इकोनॉमिक नए आइडियाज आते हैं, टेक्नोलॉजिकल नए आइडियाज आते हैं और वह टेक्नोलॉजिकल आइडियाज बहुतायत में ऐसे हो जाते हैं कि जो इगालिटेरियन सिस्टम को पुश करते हैं, वो समतावादी जो ड्राइव है, जो समतावादी जो पहल है उसको पुश करते हैं. आप सोशल मीडिया का ही उदाहरण ले लीजिए. आपके पास भी एक्सेस नहीं है डिस्कोर्स का, लेकिन आप एक फट से एक कर देते हो और वो फैल जाता है. पहले कहां ऐसा था आपके पास में, तो लिख के देना पड़ता था पहले कि मुझे ये बोलना है इस टीवी पे या इस न्यूज़पेपर में सारी चीजें. अभी तो आप फट से ये कर सकते हो. और अभी तो मैंने ये देखा कि अमेजन जो है कंपनी वो तो अभी ऑनलाइन ही अपना लिखो अपना पब्लिश करो, इस तरीके का सिस्टम आ गया है. तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे इवोल्व होता है सिस्टम, सोसाइटीज इवोल्व होती है, नॉलेज नया आता है, तो जो गवर्निंग क्लास होती है जो हमेशा सत्ता में रह रहे हैं उनके सामने नए चैलेंजेस आते हैं एंड दे हैव टू अडैप्ट. उनको संभालना जरूरी होता है अपने आप को हमेशा टिकाए रखने के लिए. तो उनके पास में दो तरीके हो सकते हैं, एक तो इन्फोर्स कर दो, जबरदस्ती कर दो, या फिर कोई नई आइडियोलॉजिकल नया कोई ऐसा विचार दे दो, नया नैरेटिव दे दो जिसके कारण वो जो पारंपरिक तरीके से परपेचुएशन बना है वो बना रहे. मैं इस संदर्भ में जो बाबा साहब ने जो चीजें बताई है और उसका जिक्र मैंने कहा किया है उसको करना चाहता हूं ताकि एक चीज थोड़ी सी स्पष्ट हो. मैंने अपने एक चैप्टर में जिसका शीर्षक कास्टिस कैपिटलिज्म लिखा एंड डिलेमा ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म लिखा. आप सब लोगों को पता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद या डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के बारे में बहुत बाबा साहब ने लिखा है, दूसरे विद्वानों ने भी लिखा है. और बाबा साहब का लेकिन यह कहना है कि जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है उसको क्यों मैंडेटरी करना जरूरी है. और इस बुक में मैंने लास्ट की जो बड़ी सबसे बड़ी जो डायग्राम है अगर आप देखेंगे तो उसमें उसको समझाने की कोशिश की है.
कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को इंस्क्राइब करना कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? आपके पास में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली है, वह संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत आपके चुने हुए प्रतिनिधि लोकतंत्र के संसद में जाते हैं, आपका प्रतिनिधित्व करते हैं वो। और ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, यह पॉलिटिकल प्रोसेस और इलेक्शंस के माध्यम से एक मेजोरिटी तय करती है, एक मेजोरिटी बनाती है, एक बहुमत बनाती है, और उस बहुमत के आधार पर सरकारें बनती है, हुकूमतें बनती है। अगर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को, उन्होंने सिर्फ सोशलिज्म नहीं कहा जहां तक मुझे पता है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को, एक डेमोक्रेटिक तरीके से होने वाले सोशलिज्म जिसमें लोगों की हिस्सेदारी, रसिया और जो ईस्ट वाइल यूएसएसआर रहा है या चीन रहा है उससे अलग, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इस चीज को कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी कर देना इसीलिए आवश्यक, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो मेजोरिटी के आधार पे गवर्नमेंट बनाती है वह इंडिया में कम्युनल मेजोरिटी कन्वर्ट होने में ज्यादा देर नहीं लगता या लग सकता। बाबा साहब, आप सब लोगों को पता है कि पॉलिटिकल मेजोरिटी, कम्युनल मेजोरिटी, बाबा साहब ने दोनों में अंतर बताया। पॉलिटिकल मेजोरिटी जो है वो पॉलिसीज के आधार पे बनती है, इश्यूज के आधार पे बनती है, नए नए आइडियाज के आधार पे बनती है, वो हमेशा डायनेमिक होती है, उसमें लोग आते जाते रहते, एंट्री रहती है, एग्जिट रहती है। लेकिन कम्युनल मेजोरिटी स्टैटिक होती है, स्टैटिक होती है। और ये कम्युनल मेजोरिटी एक विशेष क्लास को ही गवर्निंग क्लास के रूप में हमेशा इनहेरिट करती है। तो अगर ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अगर कम्युनल मेजोरिटी के आधार पे चुन ली जाए तो फिर चुनिंदा लोगों का ही हुकूमत रहेगी, चुनिंदा लोगों का ही डिक्टेट रहेगा, और अगर चुनिंदा लोगों का डिक्टेट रहेगा तो वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को इंप्लीमेंट करने में कतराएंगे। और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर उस समय कहते हैं कि इसको मेजोरिटी के व्हिम्स और फैंसीज पे नहीं छोड़ना चाहिए, मेजोरिटी के कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं करना चाहिए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को, और नहीं तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की जो बातें हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, लोक कल्याणवादी जो स्टेट की जो संकल्पना है, वह न होते हुए फिर वो ऑटोक्रेटिक तरीके से ही शासन चलने लगा। ये बात बाबा साहब ने उस वक्त बताई। आज क्या हो रहा है, आज किस तरीके से हम उसको देख सकते हैं, बस दो शब्द सर, एंड आई विल वाइंड इट अप। मैंने उस पुस्तक के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की जो बातें हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के माध्यम से संविधान में लिखी गई, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं है, वो इन्फोर्सेबल नहीं है। अगर कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल का एक क्लॉज उठा लीजिए, एक आर्टिकल उठा लीजिए, एक अनुच्छेद उठा लीजिए, और अगर आपको दिखता है कि उसके अनुसार काम नहीं हो रहा है तो आप कोर्ट में गुहार नहीं लगा सकते, बिकॉज इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज नॉट इन्फोर्सेबल। तो अगर आपने उसको कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट नहीं किया है लेकिन संविधान में लिखा तो जरूर है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाई है और आप स्टेट को यह डायरेक्शन दे रहे हो प्रिंसिपल बना के कि हे स्टेट, हे गवर्नमेंट, जब भी तुम कानून और पॉलिसीज बनाओगे यू लुक इनटू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फर्स्ट एंड मेक योर लॉज एंड पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स गिवन इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये आप वहां पर बोला गया। लेकिन हम कई बार ये देखते हैं कि जिस तरीके से उस प्रिंसिपल्स के आधार पे नजारा होना चाहिए वो दिखाई नहीं देता। अब ये देखिए, हमने प्रीएम्बल में भी लिखा है, प्रीएम्बल में अभी हमने पढ़ा। अब अगर कुछ हद तक ये जो फॉर्मल ढांचा जो हमने बना रखा है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का औपचारिक ढांचा बना, उसकी ताकत तो उतनी बढ़ नहीं दिख रही है हमको, लेकिन एक दूसरी ताकत उसके सामने हम इनफॉर्मली खड़ा कर रहे हैं। इनफॉर्मली यानी यू कहो कि एक छोटी दीवार है जो ऑलरेडी बनी हुई है और तमाम हमारी जो गवर्निंग क्लास है
यह हम अपेक्षा करते हैं कि काम उस दीवार के अनुसार ही हो, क्योंकि अपेक्षा यह है, संविधान की स्पिरिट यह कहते हैं कि यह जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की दीवार बनी हुई है उसके हिसाब से काम। लेकिन अनौपचारिक तरीके से इनफॉर्मली अलग अलग एग्जीक्यूटिव या अलग अलग स्टेप्स लेके, अगर मान के चलो इस दीवार के सामने आपने एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी जिसका नाम है पूंजीवाद या कैपिटलिज्म, तो ऑब्वियसली इस दीवार की ताकत कम हो जाएगी और आप सारी जो चीजें हैं इसके अनुसार देखेंगे। और यही नतीजा है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने उस वक्त वो शब्द कहे थे कि वी नीड टू इंस्ट्राइन मेक इट मैंडेटरी द डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ऐसा नहीं था कि उसमें कंप्लीटली इंडिविजुअलिस्ट, जो इंडिविजुअलिस्टिक जो एंटरप्रेन्योरशिप जो है, तो जो उद्योजकता है, जो आपकी इंडिविजुअलिस्टिक नई इंटरप्राइज करने की जो मंशा है उसको सेबोटेज करने की, ऐसा नहीं था उसमें। लेकिन डिस्कोर्स उसको उस तरीके से बना देता है कि नहीं, उसमें इंटरप्रेन्योरशिप का कोई ये नहीं था, ऐसा नहीं है। अदरवाइज जो लोग विदेशों में जा जाके बड़े बड़े पदों पे और बड़े बड़े कंपनियों में बड़े बड़े अहदेधारी है, अगर वो वैसा होता तो हमको नजारा कुछ और ही दिखता, लेकिन वैसा नहीं था। और इसीलिए साथियों हम को इस बात को समझना पड़ेगा कि व्हाई वी नीड टू हैव व्हाट वी कॉल एज अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अभी जहां तक मुझे याद है थॉमस पिकेटी साहब ने एक नई पुस्तक, आप सब लोगों को पता है कि थॉमस पिकेटी साहब कैपिटल इन 21st सेंचुरी ये लिखे हैं, उसके बाद में आइडियोलॉजी एंड कैपिटल ये वाली पुस्तक लिखी है, उसके बाद में उन्होंने एक पुस्तक अभी लिखी है रिसेंटली 2020 में या 21 में लिखी है, उन्होंने उसका शीर्षक दिया है टाइम फॉर सोशलिज्म, समाजवाद का समय। वो इनका कहना है कि समाजवाद का टाइम फॉर सोशलिज्म। He has written elaborately about capitalism in 21st century, but now he is writing time for socialism. I mean, think why he has been compelled to drive his ideas in this direction. After all, there is a reason, something whatever he is witnessing, and he is said to be the authority on equality in wealth and income both. आज इस पटल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि किस तरीके से उन विचारों की आज कितनी जरूरत प्रासंगिकता है। और आप लोगों ने, वरिष्ठ वक्ताओं ने, आदरणीय वक्ताओं ने तमाम यहां पर बातें लिखी जो मेरी बुक के संबंध में रखी है। खासकर मैं थोरा साहब ने जो सबसे अति महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट चीज जो बोली, जो कि हमको और उस पर मंथन करना चाहिए, उन्होंने जो कहा कि अगर स्टेट एक विशेष डायरेक्शन में जा रहा है तो वो उस पर क्लियरिटी लाने की और जरूरत है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली, व्हिच आर द फोर्सेस, हाउ दिस फोर्सेस आर रिसीविंग द स्टेट इंस्टीट्यूशंस, इन विच डायरेक्शन दे आर ट्राइंग टू टेक द स्टेट इंस्टीट्यूशंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एंड विच स्पेसिफिकली डायमेंशन ऑफ दोज फोर्सेस आर यू नो इन्फोर्सिंग द स्टेट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड रिसीविंग इट। I acknowledge and I accept, you know, this very important aspect that is open to us, जो हमको एक नई प्रेरणा देगा इसको समझने की और इन्वेस्टिगेशन करने की, इसके ऊपर और भी ज्यादा अनुसंधान करने की, ताकि हम इन चीजों को समझ सके जो बहुत ही महीन है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, सटल है, nuanced, ताकि हम उन मूल्यों को बरकरार रख सके जिसकी अपेक्षा समतावादी और लोकतांत्रिकवादी विचारों ने हमारे लिए छोड़ रखा है। हर जनरेशन का एक दायित्व होता है, अभी जैसे कि हमारे वक्ताओं ने, नाउ इट इज टाइम फॉर अस, हम भी उसके ऊपर मंथन करें और हम कोशिश करें कि उन विचारों को हम अपने समाज और इस भारत में देखें जिस तरीके का अभी यहां जिक्र किया गया है। आप सब लोग यहां पर आए और इस प्रोग्राम में आपने अपने विचार प्रस्तुत किए, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, और खासकर उन वक्ताओं का जिन्होंने इस पुस्तक के ऊपर प्रकाश डाला और इस पुस्तक को पढ़ा। मैं
बहुत ही रिग्रेट के साथ कहूंगा कि हमने पुस्तक दिल्ली भेजी लेकिन सर दूसरी जगह चले गए तो उनको समय भी नहीं मिल पाया, और चूंकि कोविड सिचुएशन है तो इसके कारण इट इज अ वेरी ट्रिकी काइंड ऑफ अ सिचुएशन, जिसके कारण अभी भी मुझे कई कॉल्स आते हैं, फोन्स आते हैं कि सर अवेलेबल हो गई क्या, कब मिलेगी। तो अभी क्या है कि बिकॉज ऑफ द कोविड रिस्ट्रिक्शंस जो प्रिंटिंग का जो काम है वो डिलेड हो रहा है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रूल्स ऐसे बनते हैं कि जिसमें कि आपको घर में ही रहना है, जाना नहीं है, फैक्ट्रीज में नहीं जाना है, प्रेस में नहीं जाना है, तो देन इट बिकम्स चैलेंजिंग टू हाउ टू यू नो गेट द स्टॉक्स एंड डिलीवरी, और इसके कारण ये हो रहा है। लेकिन ये होने के बावजूद भी हमारे वरिष्ठ वक्ताओं ने यहाँ पर मेरे पुस्तक को पढ़ने में समय दिया, उन्होंने उसके ऊपर मंथन किया और अपने विचार रखे, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ पे मैं खासकर उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये मौका हमको दिया यहाँ बोलने का। और यही नहीं कहूंगा मैं, तो इस बात के ऊपर तवज्जो दूंगा कि यहाँ पर जो दीक्षा भूमि का जो प्रबंधन है, फुलजले साहब है और उनका पूरा जो टीम है, यहाँ पर डॉक्टर शैलेश बहादुर है जिन्होंने 15 दिन 20 दिन से इस तैयारी में वो लगे हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तमाम मेरे यहाँ जो साथी बैठे हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम की सक्सेस के लिए पिछले 15-20 दिनों से अपना समय दिया, मुझे आइडियाज दिए कि किस तरीके से कर सकते हैं और किस तरीके से अच्छा हो सकता है करके, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। दीक्षा भूमि का शुक्रगुजार हूँ, इस समिति का शुक्रगुजार हूँ, और साथ में मेरे इस इंटेलेक्चुअल सफर में जिन जिन लोगों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे सपोर्ट किया, सभी का नाम लेना इट इज वेरी यू नो चैलेंजिंग, लेकिन उन सबका मैं इस पटल के माध्यम से शुक्रगुजार हूँ। और खासकर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसी तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट, स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, यहाँ पर अफसर हैं डॉक्टर सिद्धार्थ गायकवाड़ सर, वो यहाँ पे बैठे हैं, उनका भी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उनके डिपार्टमेंट ने मेरे को सपोर्ट किया सो दैट आई कैन स्टडी। और साथ में मैं तमाम उन प्रोफेसर का और इंटेलेक्चुअल जो एक्सपर्ट्स हैं जिनकी मुलाकात मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में हुई, खासकर मैं प्रोफेसर मार्था नुसबाम, प्रोफेसर क्रिस्टोफर ब्लैकमैन, ये ऐसे प्रोफेसर रहे हैं जिन्होंने मेरे आइडियाज को एक चालना दी, उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमें क्या करना चाहिए। और आगे आने वाले दिनों में भी हो सकता है कि आप और हमारे बीच में दो सामंजस्य होगा, सपोर्ट होगा, उसके कारण हम इस जो आइडियाज है इसको हम आगे ले जाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय भीम, जय भारत।